So what we are doing today is सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट. नाउ सुनने में, इसका टाइटल देखने में बहुत ही इजी सा सेक्शन लगता है, जैसे इसमें कुछ है नहीं, बस याददाश्त ताजा कर रहे हैं. डॉक्यूमेंट रखा है सामने, हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में और हमें याद नहीं आता, तो हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, पता लगाते हैं और उसके बाद बोल देते हैं, बात खत्म. बट काफी डेप्थ है इस सेक्शन के अंदर, तो लेट्स चेक आउट धीरे धीरे करके. हो सकता है हमें एक लेक्चर हॉप भी करना पड़े इसके लिए, एक लेक्चर और भी करना पड़े, बट वील डू इट. एंड इसकी जजमेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो 159th आ जाते हैं. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग 159, लेट्स जस्ट टेक अवर हेड अराउंड व्हाट द लॉ वांट्स फ्रॉम अस. एविडेंस एक्ट हमसे चाहती क्या है भाई? यही चाहती है कि कोर्ट के अंदर प्रॉपर एविडेंस आना चाहिए. वो एविडेंस आना चाहिए जो प्रॉपरली कोरोबोरेटेड हो, जिसकी वेरासिटी हमें पता हो, जो हमें पता हो कि सच है, जो पक्का हो, राइट, वो आना चाहिए. तो एक तरह से अगर हम इसके रूल्स देखें तो वो कहते हैं कि एक तो जो भी बंदा देने आ रहा है ना एविडेंस, फर्स्ट हैंड उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, राइट. सेक्शन 16 में मिलता है ना हमें ये रूल, प्रॉपर एविडेंस ऐसा ही होता है कि उसकी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. और वो जो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन वो दे रहा है, जो भी उसमें पर्टिकुलर्स बता रहे हैं, वो पर्टिकुलर्स भी एकदम एक्यूरेटली बताएं. और अगर वो नहीं बता पाता तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए और उसकी एविडेंस को तोड़ा जाए, राइट. नाउ बड़े सारे केसेस चलते हैं और उनके अंदर फाइलिंग में ही 3-4 डेट कभी कभी फाइलिंग में ही लग जाती है, समन्स में लग जाती है, 7-8 महीने तो ऐसे निकल गए. उसके बाद फिर आप धीरे धीरे चालू करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, दूसरी पार्टी भी आगे खड़ी होगी, वो भी कुछ ना कुछ बातें करेंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स टेंडर करोगे, फिर कोर्ट उन्हें देखेगी, शायद आपको कंसिलिएशन वगैरह के लिए भेज दे, फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से बहस करोगे, फिर दूसरा बहस करेगा, फिर इतनी सारी चीजें होंगी. उस बीच में हमारे विटनेसेस आएंगे और अब ये विटनेसेस ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद आए हैं कॉज ऑफ एक्शन के, जिस दिन जो भी चीज के बारे में बात हो रही है उसके 2-3 साल बाद आए. पुलिस वाले भी विटनेस हो सकते हैं, अक्यूज्ड खुद विटनेस हो सकता है, जो विक्टिम है वो खुद विटनेस हो सकता है, इसमें डॉक्टर्स विटनेस हो सकते हैं, बैंक के लोग विटनेस हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं भाई. हम ये तो चलो एक बार को बंदा ये कॉमेंट कर सकता है या ये आर्ग्यू कर सकता है कि भाई जिसके साथ होता है ना वो भूलता नहीं है और जो करता है वो भूलता नहीं है, उनको तो याद ही रहता है. हो सकता है, हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो, बट अगर कोई बचपन हो जिस किसी का विक्टिम का, या कोई आदमी काफी बुढ़ा हो, या कोई आदमी हो ही थोड़ा सा डम टाइप का जिसको याद नहीं रहता, या फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर टाइप का आदमी हो, कोई आईओ हो जो एक बार में 12-13 डायरियां चला रहा है, कोई डॉक्टर हो जो रोज के 50 पेशेंट देखता है, कोई बैंक का बंदा हो जो रोज की 1000 एंट्रीज देखता है. अब इन आदमियों को आप एकदम से अगर कोर्ट में बुलाओ और कहो कि इस डेट पे इतना घपले की बात हो रही है, बताओ जी सही है या नहीं है, आपसे जानना चाहते हैं, आप विटनेस बने, तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो कोर्ट अलाउ करती है, लॉ अलाउ करता है कि आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो. और रिफ्रेश कैसे कर सकते हो? वो चीज देख के, वो डॉक्यूमेंट देख के जो आपने खुद बनाया हो, या आपने किसी को बनाते हुए देखा हो और आपको पता हो कि वही बंदा बनाता है, सही काम सही चीज कर रहा है, तो आप उसको देख के अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो. फिर आप कोर्ट को बता सकते हो कि हाँ सर, इसमें हाँ यही लिखा था और ऐसा ही था, एंड हाँ 10:30 बजे ये सब हुआ था, यही आदमी था, यही सब पहन के आया था, हाँ बिल्कुल सही बात है. तो वो चीज एक तरह से कॉरोबोरेट हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ सच्ची बात चल रही है, ट्रूथ हमारे सामने है, और ये सब अब आगे बढ़ाया जा सकता है ट्रायल और एक जजमेंट दी जा सकती है, ठीक है. इसलिए 159 बनाया गया. इतना तो हम वैसे ही ऑब्जेक्ट जानते हैं, राइट, इतना तो हम सब लोग ही जानते हैं कि रिफ्रेशिंग मेमोरी क्यों हो रही है यहाँ पर. नाउ व्हाट द सेक्शन इज सेइंग इज कि भाई पहले तो एक एक करके एलिमेंट्स तोड़ दें. पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, हु वी आर टॉकिंग अबाउट अ विटनेस, ठीक है. और विटनेस माने हमारा अक्यूज भी हो सकता है, हमारा विक्टिम भी हो सकता है जब वो एज अ विटनेस आता है, कोई और दूसरे विटनेसेस जो पार्टीज लेके आ रही हैं वो विटनेसेस भी हो सकते हैं, आईओ हो सकता है, बैंक वाले हो सकते हैं, मेडिकल पर्सन हो सकते हैं, एनीबॉडी कैन बी अ विटनेस, आस पड़ोस के कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ विटनेस, 118 का पूरा, 118 एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड. सो एनी विटनेस किस सिचुएशन में, व्हेन ही इज अंडर एग्जामिनेशन. So he is under examination. Now this examination can be any examination. It could be chief, it could be cross. Right? उसके बाद वो बोलता है, just a second. हाँ. उसके बाद आगे बोलता है,
एनी अ विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिफ्रेशिंग मेमोरी, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रिफ्रेशिंग मेमोरी, उसे कुछ याद करना है, ठीक है. टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, नाउ दिस रिफ्रेशिंग मेमोरी इज अबाउट व्हाट, इज अबाउट एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ. अब सर जैसे टंडन सर आप कह रहे हो कि आपने उस किताब को रेफर, मैंने ये किताब यूज करी थी, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ राइटिंग दैट यू मेड योरसेल्फ, है ना, तो अब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही 159 की. नाउ इट हैज टू बी अ राइटिंग मेड बाय दिस विटनेस द पर्सन, इसी ने कोई पर्ची बनाई थी, इसी ने कोई नोट्स लिए थे, और इससे अब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि उस जगह पे भाई साहब ये बताओ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, उस टाइम पे क्या डेट थी, आपने ये इसमें लिख के तो बहुत कुछ रखा है. तो वो कहते हैं सर 2-2.5 साल हो गए उसको बनाए हुए, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कि बंदा किस तरफ देख रहा था या मेरे पीछे कौन सी दुकान थी, मे बी मैं राइटिंग देखूं तो समझ जाऊंगा. तो कोर्ट अलाउ करेगी कि हाँ जी तो आप अपनी वो जो राइटिंग है उसको देख लो और फिर हमें बताओ. तो वो राइटिंग उठाता है, देखता है और फिर कहता है हाँ मैंने उस टाइम पे ये लिखा था और बिल्कुल सही सही लिखा था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यस देयर वाज अ शॉप बिहाइंड मी एंड यहाँ पे इतने लोग आए थे इस टाइम पे आए थे और इतने लोग खड़े हुए उसको देख रहे थे, इस बंदे ने ये किया और उस बंदे ने वो किया, इस तरह से वो रिफ्रेश करेगा अपनी राइटिंग में. अच्छा तो एक तो ये हो सकती है राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ में फर्स्ट पॉइंट क्या है, या तो ये हो सकती है राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है, कहीं पे कोई हमला वमला हुआ या कुछ हुआ और बंदा वहीं पे नोट कर रहा है कि देखो कौन कौन है, मैं बाद में जाके बता दूंगा, नोट कर रहा है उसी टाइम, ही इज मेकिंग अ राइटिंग बाय हिमसेल्फ राइट देन, राइट, एंड सो सून आफ्टरवर्ड्स, तो उससे कुछ टाइम ही बाद जब कोर्ट कंसिडर करती है कि हाँ इस टाइम तक इसके दिमाग में वो चीज फ्रेश थी, उस टाइम बाद उसने राइटिंग बनाई, कुछ लिखा, तो उसके सामने कोई इवेंट हुआ, उसके बाद 4-5 घंटे बाद वो वापस घर पहुंचता है, उसे पेन पेंसिल मिलती है, तो वो फटाफट नोट कर लेगी ये चीजें थी, अब मैं ये पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, या कोई मीटिंग में था वो मीटिंग में नोट नहीं कर पाया, उसके बाद फटाफट घर पहुंचता है और कहता है कि भाई भूलने से पहले मैं नोट कर लूं यार कि MOM क्या थे, क्या क्या हमारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या क्या थे, तो सो सून आफ्टरवर्ड्स उसको याद रहे. अब अगर यही चीज वो 5-6 दिन बाद जाके करता है तो हम मानेंगे कि ये राइटिंग जो है इट कैन नॉट बी यूज फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, क्योंकि वो राइटिंग खुद ही ठीक नहीं है, इट कुड नॉट बी एक्यूरेट. अगर आप 5-6 दिन बाद कर रहे हो तो काफी सारी डिटेल्स मिस कर दोगे. सो जो राइटिंग आप खुद कर रहे हो, आइदर इट शुड बी मेड राइट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन और सून आफ्टर, जब आपके दिमाग में वो फ्रेश थी, और ये बताएगा कौन कि फ्रेश रही होगी या नहीं रही होगी, वो कोर्ट, कोर्ट की कंसिडरेशन है, कोर्ट कंसिडर्स कि ये फ्रेश रही होगी आपके दिमाग में, चलो इसको यूज कर सकते हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे की बात है, यूज करा जा सकता है, उस टाइम सही सही लिखा होगा. दूसरी कौन सी हो सकती है, दूसरी हो सकती है बाय एनी अदर पर्सन. अभी आपको ये सेक्शन बोरिंग लग रहा होगा मगर है बड़ा जोरदार, बड़ी सारी चीजें इसमें आने वाली होगी. सो इट कुड बी बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, और सेम चीज ये भी हो सकता है राइट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन और सो सून आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद की नहीं मानी जाएगी. मगर इसके साथ और एक रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो किसी और ने चीज बनाई है, जो एक किसी और बंदे ने राइटिंग लिखी है कि आप दो लोग खड़े हुए कोई इंसिडेंट देख रहे थे या मिनट्स ऑफ मीटिंग देख रहे थे, और उस टाइम पे कोई दूसरा बंदा उस चीज को नोट कर रहा था फटाफट फटाफट, एंड आपने वो देखा है या तो उसी टाइम या थोड़े टाइम बाद, तो आप उस चीज को देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे वो मीटिंग में था या वो उस सिचुएशन में था, तो उस टाइम पे सही सही चीजें ही नोट कर रहा था, मैंने देखा कि हाँ आई न्यू दैट इट वॉज करेक्ट, जो नोट हो रहा था वो ठीक करेक्ट हो रहा था, तो नाउ आई कैन टेक माई माइंड बैक टू द इवेंट यूजिंग दिस नोट और दिस वट एवर राइटिंग, एंड आई कैन टेल द कोर्ट कि हाँ सर ये हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है. तो इसके साथ दो चीजें क्या है कि एक तो आपने खुद उसे रीड किया है और उसी के साथ साथ यू न्यू इट टू बी करेक्ट, यू न्यू इट टू बी करेक्ट, ये हो गया. तीसरी चीज क्या होगी जो आप यूज कर सकते हो, आप कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हो. जिस चीज को आप रिफ्रेश करने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर सकते हो, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, उसकी कॉपी को भी यूज किया जा सकता है.
यही शर्तें उसमें पूरी होनी चाहिए कि आपने अगर खुद बनाई थी तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन या सून आफ्टरवर्ड्स, अगर किसी और ने बनाई थी तो आपने उसको खुद रीड किया है एंड यू न्यू इट टू बी करेक्ट. अगर ये दो चीजें पूरी होती हैं तो उसको रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज किया जा सकता है, और अगर रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज किया जा सकता है तो उसकी कॉपी को भी यूज किया जा सकता है. तो जो आपने मिनट्स बनाए थे वो अगर आपने खुद बनाए होते या आपके सामने वो ओरिजिनल होता तो आप यूज कर ही सकते थे. उसकी कॉपी भी अगर आ जाए तो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई बार नहीं है. ठीक है, उसके बाद अच्छा इसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि ये कॉपी आप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही करोगे यूज, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल में कुछ गड़बड़ करके उसके बाद उसकी कॉपी निकाली जाए और फिर बोला जाए सर ये था देखो ओरिजिनल, तो और इसको मैं यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश करूंगा और बोलूंगा हाँ सर 10 लाख ही था, 10 लाख रुपए थे, बिल्कुल सही सही नोट किया था हमने उस दिन. तो कोर्ट अगर परमिशन दे दें कि कॉपी यूज कर सकते हो तो आप कॉपी यूज कर सकते हो. और कोर्ट परमिशन क्या देख के करेगी, जब वो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इस चीज से कि ओरिजिनल की नॉन प्रोडक्शन के लिए आप एडिक्वेट रीजन दे चुके हो. अगर आप उतना रीजन दे चुके हो तो आप उसकी कॉपी प्रेजेंट कर दो. यही चीज तो हमने देखी है पहले भी, अगर आपके पास प्राइमरी नहीं है तो आप सेकेंडरी ला सकते हो, मगर सेकेंडरी तब लाओगे जब आप प्रूव कर दोगे कि प्राइमरी में नहीं ला सकता. उसकी सिचुएशन कंडीशंस दे रखी है, कहां पे दे रखी है, 65 में, राइट. उसमें दिया हुआ है सेकेंडरी कौन कौन से कब कब दिए जा सकते हैं, जब वो खो जाए, जब बहुत सारी चीजें दे रखी है, जब वो खो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या दूसरे के पावर या कंट्रोल में हो, ऐसी ऐसी चीज. तो आप अगर ये प्रूव कर दोगे सर किसी और के कंट्रोल में है, ये उठा के ले गए थे, इन्होंने चोरी कर लिया था, मेरा घर ढह गया, मेरा घर बह गया, मेरे घर में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो आपने प्रूव कर दिया कि सर हाँ वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब मेरे पास कॉपी है, मैं कॉपी ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ. ठीक है, आ जाओ आप कॉपी लेके. सेटिस्फाई कर दिया कि नॉन प्रोडक्शन जो है मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो आप फिर कॉपी भी ला सकते हो डॉक्यूमेंट की, राइट. नाउ चौथी चीज जो वो बोलता है, वो बताता है एक्सपर्ट्स के बारे में कि जब आप एक्सपर्ट विटनेस की बात कर रहे होगे तो वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं बाय लुकिंग एट रिटाइज एज वेल. क्योंकि एक्सपर्ट से क्या पूछा जा रहा है, एक्सपर्ट से ये तो आप पूछोगे नहीं कि घटनास्थल पे कौन था, किसने चक्कू मारा, किसने गर्दन काटी, ये तो पूछना नहीं ना उससे, फैक्ट्स के बारे में तो पूछना नहीं. तो ऑब्वियसली ही डज नॉट हैव टू रिकॉल यूजिंग एनीथिंग दैट वॉज मेड एट दैट टाइम. वो उन लोगों के लिए जो वो विटनेसेस है जो उस टाइम प्रेजेंट थे, जिन्होंने उस टाइम नोटिंग करी, वो उनके लिए. एक्सपर्ट से तो हम ये पूछते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन में एक आदमी की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, एक आदमी का गला कटता है तो खून कितनी दूर तक जाता है, एक आदमी डूब के मरता है तो उसके लंग्स कैसे फूलते हैं, हम तो ये चीजें पूछेंगे ना. तो नाउ उसके लिए कौन सी राइटिंग है जिसको वो यूज करके रिफ्रेश करेगा अपनी मेमोरी, वो है उसकी किताबें. वो अपनी किताबें देख के बताएगा, सर ये पढ़ा था मैंने अपना जब मैं वो कर रहा था बायोलॉजी का कोर्स वगैरह कर रहा था, तो उसमें ऐसा होता है, आप ये ट्रिटाइज देखो, बड़े राइटर हैं ये, इन्होंने बताया कि बॉडी ऐसे ऐसे रिएक्ट करती है, तो दैट ही कैन यूज टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. अदरवाइज कोई एक्सपर्ट ऐसा है जो मेडिकल मैन टाइप का है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, वो अपने नोट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये पूरा का पूरा सेक्शन तो ये है, एक बार सेक्शन को रीड कर देते हैं, उसके बाद टंडन सर मैं आपके पास आता हूं. सो सेक्शन सेज अ विटनेस मे वाइल अंडर एग्जामिनेशन, कौन विटनेस while under examination refreshes memory, क्या कर सकता है, refreshes memory to any writing made by himself. पहली है made by himself, उसके अंदर categories at the time of the transaction concerning which he is questioned or so soon afterwards that the court considers that transaction was fresh in his memory. तो पहली category जो उसने खुद बनाई है उसके अंदर sub categories at the time of the transaction or so soon afterwards. The witness may also, अब ये second category, refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid. जो ऊपर time दिया गया, कौन सा time? At that very time जब transaction हुई, या फिर so soon afterwards जब उसकी memory में वो fresh था. So when a so the witness may also refer to any such writing made by any other person, किसी और बंदे ने बनाई थी, and है उसके साथ लगी हुई condition है, rider है, read by the witness within the time aforesaid. When he read it, if when he read it, he knew it to be correct. तो दो कंडीशन हो गई, एक तो रीड करा, और जब आपने रीड किया यू न्यू कि हाँ वो चीज सही लिखी गई है, सही तरह से लिखी गई है. फॉर एग्जाम्पल एक पंचनामा बन रहा है, पुलिस वाले पंचनामा बना रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, आपको विटनेस ऑब्वियसली बाद में विटनेस बनाएंगे ना आपको कि भाई तुम्हें पंच बनाया था ना, यू आर वन ऑफ द पंचेस,
आपके सामने हमने घर में ऐसे ऐसे घूमे फिरे, चीजें देखी, खून के धब्बे देखे, लाश कहाँ पड़ी थी ये देखा, और फिर आपको सारी चीजें दिखाई। बताओ जी यही चीजें है ना, या फिर कोई सीजर की लिस्ट बनाई है और वो एक एक करके, एक बंदा टीम से आया है और वो लिखता जा रहा है, अच्छा ये मिला, अच्छा ये मिला, अच्छा वो मिला, पंचों के सामने, और उसके बाद पंचों के साइन कराए जाते हैं, यही है प्रोसीजर। और जो पंचों के साइन कराए जाते हैं वो एक लिस्ट पे कराए जाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये क्या है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन देयर इज अ राइटिंग दैट सम अदर पर्सन इज क्रिएटिंग, सेकंड वाली कैटेगरी में आ गया ना, राइटिंग मेड बाय अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब जब आप कोर्ट में खड़े हुए होंगे और आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा जब पुलिस गई थी तो वहां पे लाश किस तरफ में मुंह करके खड़ी थी, खड़ी नहीं थी मतलब लेट पड़ी हुई थी, नॉर्थ में थी, ईस्ट में थी, साउथ में था, कैसे था, पैर किस तरफ मुड़े हुए थे, कोई घसीटने के निशान भी थे, कोई डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि डिस्प्लेस हुई थी, तो पंच कहेगा कि सर हाँ मैं विटनेस तो था मगर 3-4 साल इस बात को बीत चुके हैं तो मुझे एक बार वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे सामने पुलिस जो आई थी उनके एक बंदे ने एक लिस्ट तैयार करी थी, एक पेपर तैयार किया था और उसके अंदर सारी चीजें लिखी थी कि उसके जूते पहने थे या नहीं पहने थे, उसकी जेब से क्या क्या मिला, उसकी शक्ल, उसकी बॉडी का हेड किस तरफ था, कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, उसने सब कुछ नोट किया था। और जिस टाइम नोट किया था हम बिल्कुल उस टाइम देख रहे थे कि अच्छा हाँ इसने लिखा है डिस्प्लेसमेंट 2 फिट हुई है, अच्छा इसने लिखा है लाल जूते हैं, हाँ लाल जूते हैं, अच्छा इसने लिखा है उसके लेस खुले हुए हैं, लेस तो गले में है, गले में फांस के उसको मारा गया है, हाँ ऐसा ही था उस टाइम पे। तो उसने जो लिस्ट बनाई, उसने जो डॉक्यूमेंट बनाया, उसने जो राइटिंग बनाई, आई रेड इट एंड आई न्यू दैट इट वॉज करेक्ट। दोनों कंडीशन पूरी हो गई ना दूसरी कैटेगरी की, आई रेड इट और मुझे पता है कि हाँ वो सही चीज लिख रहा है पुलिस वाला, तो मैंने उस पर साइन कर दिया। अब साइन करके थोड़े दिन तो याद रहा, आसपास मोहल्ले में सबको कहानी सुनाई मैंने, उसके बाद भूल गए, अपने काम वाम में लग गए। तो अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा, तो आप उसे देख सकते हो, आप देख लो और बता दो कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे ऐसे ऐसे बॉडी पड़ी थी, ये सामान था। इस तरह से 159 आप यूज कर लेते हो तो ये अदर पर्सन वाला उसमें आ गया, अदर पर्सन वाला वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, कहता है व्हेन विटनेस मे यूज कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। अब आप ऊपर तो ओरिजिनल चीज को यूज कर रहे हो, नाउ व्हेन कैन यू यूज अ कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो व्हेनेवर अ विटनेस मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट, तो जो नॉर्मल ऊपर डॉक्यूमेंट है, व्हेनेवर यू कैन यूज दैट डॉक्यूमेंट ही मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तब तक आप कॉपी भी यूज कर सकते हो, कोई बार नहीं है, बट दो कंडीशंस है, एक विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट बताएगी कि इसकी कॉपी यूज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल यूज करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल था भाई, अब उसके हिसाब से अगर आप सही सही चीजें बता दोगे तो सब कुछ कोरोबरेट हो जाएगा। मगर जैसे ही आप कॉपी की बात करते हो यार, एक टेंशन बन जाती है दिमाग में कि ये साला कॉपी ठीक से बनाई थी या नहीं बनाई थी, जिसने भी ये कॉपी प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हो, जब ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लाओ, बेस्ट एविडेंस रूल लगाओ, सेक्शन 60, 62, 91 एविडेंस एक्ट का यही बोलता है ना कि बेस्ट एविडेंस रूल, आपने जो खुद सुना खुद देखा वो लेके आओ, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ, अगर कोई ग्रांट्स और डिस्पोजिशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनकी ओरिजिनल लेके आओ कोर्ट में, तो बेस्ट एविडेंस रूल ही अप्लाई करो। मगर अगर आप कॉपी लेके आ रहे हो तो यू कैन नॉट यूज इट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, फिर आप कोर्ट से परमिशन लो, और कोर्ट क्या देखेगी कि ये कोर्ट वही चीज देखेगी कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, क्या आप सेटिस्फाई करते हो सफिशियंट रीजन देके, एविडेंस का नॉर्मल रूल लगा रही है, जो रूल हमारा 63 और 65 में दे रखा है कि भाई आप कब कब सेकेंडरी ला सकते हो, वही चीज कोर्ट लगाएगी, और आपके रीजन देने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है यार नॉन प्रोडक्शन का केस बनता है, तो आपको वो कॉपी लाने देगी, और कॉपी लाने देगी तो आप कॉपी यूज भी कर लोगे रिफ्रेश करने के लिए अपनी मेमोरी को, राइट। सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं करिए उससे सेटिस्फाई कर दो। और आखिरी पॉइंट, चौथी चीज वो बोलता है कि एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटाइज, जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रीटाइज भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनसे घटनास्थल की बातें नहीं करने के लिए लाए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स घटनास्थल पर नहीं खड़े होते, उनके पास तो हम बाद में चीजें लेके जाते हैं और वो अपनी किताबों और अपने स्पेशल नॉलेज के हिसाब से हमें बताते हैं अपनी राय, और वो राय में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सर कुछ अभी याद नहीं आ रहा है या परफेक्टली सब कुछ याद नहीं है, हमें भी सारा लॉ याद नहीं होता, उनको भी सारी बायोलॉजी याद नहीं होती, तो वो लाके दिखा देते हैं कि सर देखो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इनकी रिसर्च के हिसाब से ऐसा ऐसा होता है और ऐसा प्रॉबेबल है आपके केस में भी, तो वो दिखा देंगे किताब लाके, वो ट्रीटाइज भी लेके आ सकते हैं। राइट, तो ये हुआ मोटा मोटा हमारा सेक्शन, मोटा मोटा ही हुआ है, अभी हम गए नहीं अंदर। टंडन सर आप कुछ कह रहे थे, यहां तक वैसे क्लियर है क्या सर? एक डाउट है सर मेरा सर, एक मिनट अक्षय, पहले टंडन सर से पूछ ले। श्योर सर, श्योर सर।
हाँ जी ये जो ये है ना, इसमें लिखा हुआ है बाय रेफरिंग टू राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कंसर्निंग व्हिच ही इज क्वेश्चन रिफ्रेश इन मेमोरी, ठीक है, और सून आफ्टरवर्ड्स द कोर्ट कंसीडर्ड लाइकली द ट्रांजैक्शन वाज एट द टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी, ठीक है, ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है, तो मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यू हैव टू जस्ट गिव मी 5-7 मिनट्स टू एक्सप्लेन द बैग. व्हेन आई गॉट कमीशन 7 दिन की सिर्फ मेरी सर्विस, माई कंपनी कमांडर गॉट शॉट, सॉरी, एंड आई व्हेन ही गॉट शॉट आई वाज द ओनली वन, नेचुरली द फ्यू और बाकी ऑफिसर आएंगे बोलेंगे भाई क्या हुआ, तो द यू नो आई सेड यार कुछ तो करूंगा, को पूछेंगे, तो आई जस्ट मेड नोट्स जो जो था वहां पे. एक्चुअली क्या है, वो फायरिंग करके आ रहे थे गाड़ी में, और गाड़ी में पत्थर पुथर पड़े हुए थे, और लोग पीछे स्कॉट बैठे हुए थे, एक बंदे की उससे गोली चली, पीछे जो 4-5 बैठे हुए थे. सो आई टुक दिस स्टेटमेंट, और तो और साला वो 2 साल 2.5 साल बाद जब ट्रायल चला तो वो उसमें भाग भी गया सर. एनीवे तो अब पता भी नहीं होता इतना, एज यंग ऑफिसर तो हमारे लिए तो सीओ भी कमांडिंग ऑफिसर बहुत बड़ी चीज तोप चीज होता है. उसमें 2-2.5 साल की जब सर्विस हुई, जब ट्रायल का नंबर आया, तो उस समय मेरे को बोला वो साहब, आई थिंक शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद, एंड ये बात हो गई 30-31 साल पुरानी. कहीं उसने बोला कि साहब टंडन साहब ने कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिया था, तो भाई एम सिंह की कमांडिंग ऑफिसर तुम्हारे लिए तोप चीज, तुम्हारे लिए बड़ी चीज होता है, आप कैसे उसको क्या क्रॉस करोगे, बच्चे यंगस्टर क्या बोलेगा उसको. तो आई वॉज कॉल्ड बाई दी कमांडिंग ऑफिसर दैट टाइम, जो पहले था वो चेंज हो गए थे, तो यार वो ट्रायल डोंट टॉक अबाउट यू नो कि यूर मेट नोट सुनो, ठीक है सर, और मुझे पता नहीं याद, मेरे को शायद मेरे संभाल के रखे थे नहीं रखे. अब ऐसे में अगर, और मैं क्या स्टेटमेंट दिया ट्रायल मुझे याद नहीं, तब तो उतना लॉ क्वालिफाइड वगैरह नहीं थे, तो ऐसे में अगर कभी, क्योंकि सून आफ्टर द ट्रांजेक्शन हुआ है सो फार विद मी, तो अगर वो अक्यूज बोले तब वो कोर्ट बोलेगा या कैसे, कोई अगर कोई क्वेश्चन करेगा, वो सब आपने नोट्स बनाए थे वो क्या है, आपने सबके स्टेटमेंट लिया था, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. सर इस पे गोपाल सर की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से अगर एज अ विटनेस आप नोट्स के बारे में बात करते हो, आपके बात करने से नहीं, वो अगले बंदे की क्वेश्चन करने पे है। हाँ तो आप जब एग्जामिनेशन आपकी हो रही है, तो अगला बंदा अगर आपसे पूछे कि अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस चीज के बारे में पूछा जो आपने करी है, जो आपने राइटिंग बनाई है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, अगर उसके बारे में क्वेश्चन किया है, तो यू कैन रेफर टू दोज नोट्स। तो आप कोर्ट को बोल सकते हो, सर मैं ये, मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं, मैं वो देखना चाहूंगा, मैं तभी बता सकता हूँ। तो आप वो नोट्स मुझे डालिए। ऐसा कुछ याद है कि इन लोगों को पता लगा था कि वो आई थिंक ही हैज गिवन स्टेटमेंट, के साथ वो डायरी में साहब ने हम लोगों के स्टेटमेंट वो लिए थे, कहीं उसने बोला था एक्यूज, फिर क्या हुआ उतना मुझे याद नहीं, ट्रायल रूम का इतना ज्ञान नहीं था उस समय, जो मेरे को बताया बोला नहीं सर मेरे पास नोट्स वोट नहीं है, मुझे याद भी नहीं मैंने ट्रंक में रखे थे नहीं रखे थे, बट माई कमांडिंग ऑफिसर ट्रिक सर किया डोंट टॉक अबाउट इट, ठीक है सर, तो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट वी आर एवी स्टडीइंग, प्रोसिक्यूशन उसमें है. ये फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग, उसमें तो यही होना चाहिए कि द पर्सन क्वेश्चंस यू, दैट इज वेयर इट कम्स इनटू पिक्चर, एंड देन यू प्रेफर टू रेफर टू दैट नोट, और फिर वो नोट आप लेके आते हो कोर्ट के सामने कि सर ये है, मैं इसको रेफर करूंगा। That means कि अगर accused बोल दे अपने डिफेंस काउंसिल को कि सब सामने उस समय कुछ स्टेटमेंट बनाए थे, भी वो हर कोशिश करेगा कि अगर उस पे एक्यूजेशन लगा, और इंसिडेंटली उसी के हथियार से गोली निकली, उसी से डेथ हुई बंदे की, तो उसका इनिशियल था साहब वो धक्का लगा, क्योंकि आज की तारीख में तो बहुत पक्की रोड बन गई, और जमाने में रोड भी खचड़ा हुआ करती थी, झटके लगते थे उन दिनों, वो चला करते थे वन-टन वगैरह चलते थे, वो फेज आउट हो गए, वो गाड़ियां ही नहीं आ सकती अगर आ गई है, तो झटके लगते हैं, तो उसका जैसा वो गोली से चली है झटके से, मैंने डेलिबरेटली नहीं चलाई, ठीक है, तो साले तेरा हाथ उस पे हाथ कैसे गया, ट्रिगर पे कैसे था, वो मतलब जो है हथियार कॉक हो रखा था, चैम्बर में राउंड था, दीवार इशू होता था केम अप, एकदम से नहीं होता ना. एनीवे तो मतलब पॉइंट इज कि अब वो बचाने के लिए, अपने बचने के लिए कुछ भी बोलेगा कि क्या पता मैं इसके स्टेटमेंट के हिसाब से बच जाऊं, तो वो बोलेगा, तो ऐसे में अगर अक्यूज बोलता है कि सब कुछ सामने नोट्स बनाए, तो नेचुरली डिफेंस काउंसिल विल से देन इट इज ऑन द कोर्ट कि भाई वो हाँ क्या फिर बता, क्या बता सकते हैं, किस क्योंकि तरह क्वेश्चन उठेगा. फिर या तो कोर्ट बोल सकते हैं कि अच्छा वो नोट्स हैं दिखाओ, अगर आप चाहोगे दिखाना तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं रेफर कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, और अगर नहीं चाहोगे तो नहीं भी बोलोगे। मगर आप खुद चाहोगे अगर फ्रॉम योर ओन इनिशिएटिव कि अच्छा आई वांट टू रेफर टू दीज नोट्स, तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन यू कैन रेफर टू दोज नोट्स। लेकिन कोई सवाल पूछेगा तब ऐसे. हाँ ऑब्वियसली वो पिक्चर में नहीं तो आएगा कहाँ से, क्वेश्चन या मैं बाद अपने में आप बन ही बोल जाएगा। सकता हूँ नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू से दैट टाइम आई मेड माय नोट्स, क्या अगर अपने आप वैसा ही बोल होगा सकते. सर, अगर आपके पास वो नोट्स होंगे तो वो ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब जो हम पहले एविडेंस सबमिट करते हैं ना कोर्ट में, उसके बाद ही सारी बहस वहस होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स तो आपसे ले लिए गए होंगे ना कि हमें ये एविडेंस में डालना है।
तो आप वो एविडेंस में दलवा दिए गए होंगे। फिर वो आपकी पार्टी बोलेगी कि हमारे नोट्स ऑन रिकॉर्ड है सर, मैं उनको करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से आप देते हो ना डॉक्यूमेंट्स, बाद में थोड़ी एकदम झटके से निकाल के दे दोगे कि ये लो डॉक्यूमेंट्स। बट आगे इसमें एक चीज और आएगी, दिस इज वेयर आई वॉज यू नो एक्चुअली लुकिंग फॉर लुकिंग आउट फॉर चौहान सर सपोर्ट। आगे इसमें एक चीज और आएगी कि वो बोलता है, जजमेंट बोलती है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई डॉक्यूमेंट एडमिसिबल हो या रिलेवेंट हो बिफोर यू रिफ्रेश योर मेमोरी यूजिंग इट। माने अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स पहले देने थे, जैसा कि रूल कहता है कि आप अपने ट्रायल जो आपकी सुनवाई वगैरह शुरू होती है, बहस शुरू होती है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स दे देते हो कोर्ट में और उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं। अब अगर आपने टाइम से नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो जैसे हमारा सीपीसी हो गया, तो हमें वहां पे, हमें वहां पे 7:14 कहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स टाइम से दे देने हैं, अपनी क्लाइंट के साथ ही दे देने हैं, बाद में नहीं दिए तो फिर उसके बाद विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट हम नहीं ला सकते, साथ में ऑर्डर 13 रूल 1। तो अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है कि नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, इस रिजेक्शन की वजह से ये डॉक्यूमेंट्स एक तरह से इनएडमिसिबल हो गए। अब एडमिसिबल तो रहे नहीं, कोर्ट के सामने तो आप ला नहीं सकते ऑन रिकॉर्ड, मगर फिर भी 159 के अंडर आप इनको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हो, बट उसकी वजह से वो एडमिसिबल या ऑन रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे। तो ये जो आपने बताया ना कि सीपीसी में वो कौन सा ऑर्डर बताया कि अगर पहले नहीं दिया तो बाद में नहीं होगा, 7:14 और 13:1 में इसकी बात है। तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो चौहान सर आंसर कर देते कि मतलब ये किस तरह से यू नो कैसे वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड ऑन फाइल रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए कैसे आता है। चलो एनीवेज मैं उस पर पॉइंट पे आऊंगा, तो चौहान सर फिर आप अपनी तरफ से एक बार हमें एक्सपर्ट व्यूज देना। अक्षत आप कुछ पूछ रहे थे? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर जो विटनेस को रिफ्रेश करनी है मेमोरी, तो वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड का ले सकता है, प्राइवेट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का सारा ले सकता है, मतलब मैं वही चीज उसमें बताना चाह रहा था। सर चौहान सर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप ही बता दो। अब बार बार क्वेश्चन यही है कि हमसे अगर पूछा जा रहा है कि मैं एक विटनेस की तरह खड़ा हूँ एक कोर्ट में और मेरे से क्वेश्चनिंग करी जा रही है, नाउ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे से पहले ही प्रोसिक्यूशन साइड ने ले लिए थे और एविडेंस में चढ़ा दिए थे, टेंडरिंग हो गई एविडेंस की, मगर हो सकता है कि क्वेश्चनिंग के टाइम पे मेरे से कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए जो चीज अभी तक रिकॉर्ड पे आई नहीं है, आउट ऑफ द रिकॉर्ड है। तो ये ऑन रिकॉर्ड वाली चीजों को तो मैं रेफर कर सकता हूँ, ये तो हम जानते हैं, मगर कोई अगर ऐसी चीज है जो मैं एज अ विटनेस कहता हूँ कि सर ये चीज का तो मैंने शायद नोट बनाया था या मेरे अकाउंट्स में ये चीजें लिखी हुई है, मैं उसको रेफर करना चाहता हूँ, तो क्या ऑन द स्पॉट हम वहां पे फिर ये चीज ला के रख सकते हैं या हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि सर ये फिर मैं अगली डेट में दिखा दूंगा, आई हैव टू रेफर टू इट, मगर वहां तक क्या फिर हमारी एग्जामिनेशन रुक जाएगी या कैसे होगा? सर आई थिंक मेरे को लगता है परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए सर इसके लिए, जज की डिस्क्रिशन भी हो सकती है, अगर जज अलाउ करता देन ही कैन टेक द प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर द रेफरेंस। चलो लेट्स आस्क सर। एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन आप बता रहे हो ना, इसका एडमिसिबल और एग्जिबिट लगाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट में है, जो डॉक्यूमेंट एडमिटेड है, उन पे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर रिफ्रेश वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज आप बता रहे हो ना, ये कोर्ट की परमिशन से कोरोबरेट करने के पर्पज के लिए ला सकते हो, अगर कोर्ट परमिशन करे ये सब इससे कोरोबरेट हो जाएगी, ये कोरोबरेट नहीं होगी जो भी स्थिति है, तब तो कोर्ट की परमिशन से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, मेरा नॉलेज नहीं। तो मतलब बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू कोर्ट का परमिशन फॉर नाउ फॉर एवरीबॉडीज क्वेश्चंस, व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज कि अगर आपको अपने आप कोई चीज लेके आनी है या दिखानी है, आप कोर्ट से पूछ सकते हो, वो एडिशनल एविडेंस हो जाती है ना सर, इसलिए उसको कोर्ट जो इसलिए नहीं परमिट करती है, एडिशनल को अलाउ नहीं करती है, राइट, कोरोबरेट करने वाली जो चीज अगर बाई चांस उसमें से जरा भी कोरोबरेशन का चांस मिल जाता है तो कोर्ट कहता है ठीक है मैं आप लेके आइए उसको, राइट, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन करके एडिशनल नहीं बना सकते कि आप मैं एप्लीकेशन कर देता हूँ साहब आप इसको एडमिट कर लीजिए, नहीं होगा, कोई जो 7:14 आप कह रहे हो और 13:1 कह रहे हो वहां लागू हो जाएगा, राइट सर। क्रिमिनल में भी ऐसा ही है, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन नहीं ला सकता बाद में एक बार चार्जशीट के बाद में, राइट सर, ठीक है। सो थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें इस पे है, मगर फिर भी 159 पे हम तरीके से अच्छे से जजमेंट्स पढ़ेंगे और ये वाली जजमेंट भी पढ़ेंगे डेप्थ में, तो मेरे ख्याल वो स्टोरी से और कोर्ट के कमेंट से हमें समझ आना चाहिए कि असल में कहानी चल के आ रही है इसमें, ठीक है। फॉर नाउ अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या चीजें देखनी है। तो नाउ आई विल स्टार्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लेट्स सी कि हम कितनी चीजों पे किस तरह से कितने एस्पेक्ट से कितने डायनेमिक्स इस सेक्शन के देख सकते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है दैट डू यू नीड द डॉक्यूमेंट दैट यू आर यूजिंग
फॉर रिफ्रेशिंग ऑफ योर मेमोरी टू बी अ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, माने जिस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि सर मैं इस डॉक्यूमेंट को देख के बता सकता हूं और याद कर सकता हूं कि उस टाइम पे ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्या वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होना जरूरी है? नहीं, जो आंसर कहते हैं नो। सर अगर आप नो कह रहे हो तो फिर आप इसको समझा भी दो और एक एग्जांपल भी दे दो कि एक इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाए। सर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि मेडिको लीगल की जो आपकी रिपोर्ट है वो कोर्ट में आई हुई है सर, उससे पहले जो मेडिको लीगल बनाने से पहले जो कच्चे पेपर बनते हैं वो तो उसका पार्ट नहीं है ना, लेकिन उसकी प्रोसेस का पार्ट है वो मेडिकल हॉस्पिटल का। इट इज नॉट रिलेवेंट हियर, लेकिन रिलेवेंट हॉस्पिटल में रिलेवेंट है वो। तो वो डॉक्यूमेंट अगर कॉल करके उसमें लगा हुआ कोई पेपर कि इनके सामने बनाए थे ये, जैसे जिस जिसने बनाए उसकी कॉपी लगी हुई है, तो फिर आपको वो जब ले वो इसमें तो हो जाएगा रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। राइट सर, ठीक है, अमेजिंग। सो आंसर यही है कि यू डोंट नीड योर डॉक्यूमेंट टू बी एडमिसिबल और रेलेवेंट। यहाँ रेलेवेंट के साथ आप एडमिसिबल भी जोड़ लो। रिफ्रेशिंग, जहां तक रिफ्रेशिंग की बात है सिर्फ मेमोरी रिफ्रेश करने की, वहां पे यू डोंट नीड एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी, क्योंकि वहां तो बस कोर्ट ये चाह रही है कि जो चीज ये बोल रहा है वो एकदम साफ साफ और सच्ची सच्ची सामने आए। उसके लिए तुझे अगर अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो कर ले भाई, मगर वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगी या रेलेवेंट हो जाएंगी या एडमिसिबल हो जाएंगी, ऐसी कोई इंप्लीकेशन नहीं है 159 की। सो दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, इज द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग, प्रेजेंस ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है किसी और को एक राइटिंग लिखते हुए, इज द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग नेसेसरी? माने एक आदमी ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई भी अधिकारी है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके लाया, सपोज कर लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये जानवर कैसे मरा, किसने शिकार किया, कहाँ गोली लगी, किसकी गोली थी, ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया और फिर उसके बाद जंगल से बाहर आए, वहां पे कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे मतलब दिखाया उनको कि भाई ऐसे ऐसे देखो ये मरा हुआ मिला है, हाथी मरा हुआ मिला है, जो भी मरा हुआ मिला है, क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए। तो अब जब इसने ये डॉक्यूमेंट बनाया था तब तो ये बंदा जो भी यहाँ पे खड़े थे अपनी क्यूरियोसिटी के लिए या थोड़ी दूर पे, तब तो ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे जब ये डॉक्यूमेंट बना रहा था, मगर जब वो बना के आया बाहर तब ये उसको मिले और तब इन्होंने पूछा और वो डॉक्यूमेंट देखा भी कि उसमें क्या क्या था। कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकते हैं, इसके स्टाफ के आदमी भी हो सकते हैं, तो यहां पे तो ये लोग प्रेजेंट नहीं थे। तो क्या ये बाद में कोर्ट में जब इनको क्वेश्चन किया जाएगा कह सकते हैं कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट यूज करना चाहता हूं टू रिफ्रेश माय मेमोरी, क्या ये माना जाएगा, क्या ये फिट होगा 159 में? नो, मेरे हिसाब से तो प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तो राजेश सर कहते हैं नहीं होगा, ये यूज नहीं कर पाएंगे, और चौहान सर कहते हैं होगा। एनीबडी एल्स? नोबडी एल्स? सर नहीं, नहीं होगा सर। तो अक्षत भी कहता है कि नहीं होगा, नो। अब भाई क्यों बोला कि नहीं होगा जब वहां पे हमें साफ साफ ये बता रहा है बाय एनी अदर पर्सन की जब बात हो रही है, तो यू हैव रेड इट या तो राइट देन, यू हैव रेड इट राइट देन और सून आफ्टरवर्ड्स, यही लिखा है ना, सून आफ्टरवर्ड्स आपने उसको रीड किया। जरूरी थोड़ी है कि तीसरे बंदे ने या सेकंड बंदे ने जो भी चीज को बनाया है वो आप उसी टाइम रीड करो। क्या ये वहां पे लिखा है, क्या वो कंडीशन है? भाई दोनों टाइम अफोरसेड की बात करी गई है ना, एंड रेड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड, और अफोरसेड दो टाइम दिए गए हैं, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन या सो सून आफ्टरवर्ड्स। तो आपने रीड सो सून आफ्टरवर्ड्स किया है, इन लोगों ने थोड़ी देर बाद किया है यहाँ पे, एंड जब उन्होंने रीड किया है दे न्यू कि ये बंदा ऑफिसर है और ये सही चीज लिख के लाया है, पर्ची बना के लाया है, हमें पता है कि यहाँ पे हाथी मरा है, गोली वोली की आवाज आई थी या कुछ पोचर्स पकड़े गए थे, तो यूज कर सकते हैं ना फिर। तो प्रेजेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर,
इट इज नॉट नेसेसरी। एग्जांपल ये है सर, मैं दूं उसका एग्जांपल, क्लियर हो जाए। एक कंपनी के अंदर एक लेबर काम करती है, एक स्कूल के अंदर एक पियोन काम करती है, लेडी काम करती है, और प्रिंसिपल कहता है तुम रोज लेट आती हो, ये क्या है सब। तो उसको आ जाता है गुस्सा और रिजाइन कर देती है। ठीक है सर, स्कूल का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रहता है, पीएफ वगैरह ईएसआई वगैरह कटती है उसकी, रिकॉर्ड पे है वो एम्प्लॉय। अब उसका लिख के चली जाती है, वो प्रिंसिपल सर है वो अपने वार्ड मेंबर को बुला लेते, देखो ये हमेशा ऐसा करती है इस स्कूल में, और ये थोड़ा सा एस सी एस टी का केस नहीं लगा दे तो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा संभाल लेना। ठीक है सर, उसने तो रीड नहीं किया ना, वार्ड मेंबर ने तो देखा है, उसके बाद में वही होता है, उसने जाके मैं तो रिजाइन नहीं किया था, मेरे को तो निकाला गया, ये किया वो किया, अपने से लिखा है ये। तो ये सारी चीजें जब इस तरह की होती है तो उसमें परचेज थोड़ी है उसकी वार्ड मेंबर की, वो विटनेस में आ रहा है, वो तो रेफर करके बोलेगा मुझे दिखाओ उसका, तो उस टाइम वो रेफर कर सकते हैं। राइट, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो लेट्स गो अहेड। अच्छा सर, जो आपने एग्जांपल दिया उसमें एक मेरे ख्याल से अगर आप डाउट सॉल्व करो मेरा, यहाँ पे द वार्ड मेंबर शुड हैव रेड दिस थिंग, जो ये डॉक्यूमेंट और जो रिकॉर्ड बन रहे हैं, ही शुड बी अ पर्सन जो या तो उनको प्रॉपरली मतलब रेगुलर मींस में उसको रीड करता था, ही इज द वन हु इज गोइंग थ्रू दोस रिकॉर्ड्स, क्योंकि ही एडेड स्कूल है, आजकल प्राइमरी एडेड स्कूल वगैरह होती है, वार्ड मेंबर की जो है प्रेजेंस में कई काम होते हैं आजकल। हाँ, तो मतलब ये चीज एक रिक्वायरमेंट उसमें बता देनी चाहिए। हाँ, ये चीज पूरी होती है कि ही जैसे सरपंच है आजकल के ट्रांजैक्शन, या तो ट्रांजैक्शन रीड करता था उसी टाइम, खुद ही बनाता था, या उसके बाद उसके पास आती थी, सोसून आफ्टर सामने रखे जाते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है स्कूल की ओर की सब। हाँ, तो ये चीज एक पूरी होनी चाहिए, एक इनडायरेक्ट रूप से उसकी मॉनिटरिंग है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से मॉनिटरिंग। एग्जैक्टली। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, जब हम बोलते हैं कि ही कैन यूज एनी राइटिंग, ही कैन यूज एनी राइट, यही लिखा है ना, एनी राइटिंग, चेक करेंगे एक बार सेक्शन में। अ विटनेस व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेशेस मेमोरी टू एनी राइटिंग मेड बाय हिम और एनी पर्सन, है ना, एनी राइटिंग। तो विल दिस एनी राइटिंग इंक्लूड अ फोटोग्राफ दैट ही हैड टेकन और सम अदर पर्सन हैड टेकन? क्या यहाँ पे फोटोग्राफ को यूज करके वो कह सकता है सर मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूं? मेरे हिसाब से तो फोटोग्राफ राइटिंग में नहीं आते। तो चौहान सर के हिसाब से it cannot be used. Anybody else? Anybody else with an opinion? यार आंसर देने में डरते क्यों हैं सब लोग? No idea. No idea होता तो no idea बोल देगा। So sir कहते हैं no idea. और कोई? Sir no idea. बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो भाई, ये क्वेश्चन तो मैं मानता हूं कि नाजायज ही है, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है, जो हमने आज तक पढ़ी नहीं है किसी ने भी, वहां पे राइटिंग में फोटोग्राफ को इंक्लूड किया जाता है। तो आप एक फोटोग्राफ यूज करके भी अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ इस किताब में क्या कहता है। कहता है कि द वर्ड राइटिंग हैज बीन डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट, द वर्ड राइटिंग हैज बीन डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट एज एक्सप्रेशंस रेफरिंग टू राइटिंग शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और एनी अदर मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म। तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो भी आ जाएगी? हाँ, शॉर्ट हैंड भी आएगी सर। उस पे भी क्वेश्चन आने वाला था, आपने पहले ही बता दिया तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जो शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है लोगों की वो भी आ जाएगी। लास्ट का बोलो और एनी अदर क्या बोला फॉर्म, क्या बोलो?
कहता है शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग लिथोग्राफी फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म। फिर बताओ मेरे को क्या कोई ऐसा साइन लैंग्वेज भी आएगी? हाँ वो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी भाई। हम चाह क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यही तो चाह रहे हैं ना कि एक चीज का जब वो हुई थी रिकॉर्ड बनाया गया किसी भी तरह से, एंड नेचुरली हमारा दिमाग इतनी तेज नहीं है, हमारी हाथियों वाली मेमोरी नहीं है कि हम इतना ज्यादा याद रखें। आपने क्रॉस चेक किया था क्या जीसीए में? जीसीए ये जनरल क्लोजेज एक्ट को पकड़ा है, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज बताइए। कई बार ऐसी होती है फोटोग्राफ तो आता ही नहीं, जैसे मेरा ही था, तो बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन आपने जीसीए को साथ साथ पढ़ा इसको? मतलब मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो अभी देखा, बस देखा और बता दिया आपको। मैंने भी नहीं पढ़ा, तो जब मैंने हमने बोला तो हमने में आई एम इंक्लूडेड, सारे साथ में ना लाए गए, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना मगर मेरे को एक कंफ्यूजन रही कि वो आखिर में बोलता है लिथोग्राफी फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग द वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म। सो इट इज सेइंग रिप्रेजेंटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स, वर्ड्स, वो वर्ड्स की बात कर रहा है। वो फोटोग्राफ किसी भी जगह की फोटोग्राफ है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। इस चीज पे ये जजमेंट एक बार हम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि वो क्या फोटोग्राफ, फोटोग्राफ तो आपने बोल दिया ना, फोटोग्राफ लिथोग्राफी एंड प्रिंटिंग। हाँ हाँ, नाउ फोटोग्राफ ऑफ व्हाट? फोटोग्राफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, या फोटोग्राफ ऑफ एनी सिनेरियो? मैं क्या देख के रिफ्रेश कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि अगर जनरल क्लोजेज एक्ट को देखें, उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, तो वो बोलता है लिथोग्राफी फोटोग्राफी एटसेट्रा रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म, वर्ड्स नॉट एनी सिनेरियो, words in a visible form. तो फिर वो visible sign language वाला नहीं आएगा। अब वो देखना पड़ेगा, हम judgment देख के समझ जाएंगे, मगर मोटा मोटा point हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एक सीखने वाली बात है कि general clauses act में any writing में photography lithography भी आती है, वो किस sense में आती है वो हम judgment से सीखेंगे। लेकिन सर photograph पे कोई लिखा हुआ होता नहीं, words तो आएंगे नहीं। मैं वही चीज कह रहा हूँ सर, वो हम judgment से क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी ये पॉइंट है, मुझे एक यूनिक पॉइंट लगा तो मैंने कहा इसमें हमें देख लेना चाहिए। हम करेंगे तो सब कुछ, हमारा कोई एविडेंस खत्म थोड़ी हो रहा है अभी। आपको क्या लग रहा है सेक्शन के साथ खत्म हो जाएगा क्या? अभी बहुत सारे थर्सडेज हैं साथ में बैठने के लिए। चलो हमें चाहिए भी सर, हमें चाहिए। मुझे भी चाहिए थी सर। मैं तो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं एक न्यूज़पेपर यूज कर सकता हूँ? क्या मैं एक न्यूज़पेपर, अब ये ध्यान से सोच के बताना, न्यूज़पेपर यूज कर सकता हूँ फॉर रिफ्रेशिंग माई मेमोरी? मैं कल एक सेमिनार में गया था, उस सेमिनार में एक स्पीच हुई, अगले दिन वो स्पीच न्यूज़पेपर में छप गई, किसने छापी मुझे नहीं पता, इट्स अ थर्ड पर्सन। मेरे को कोर्ट में बुलाया गया कि वहां पे जो स्पीच हो रही थी बताओ, क्या वहां पे इंसाइटमेंट हो रही थी? क्या वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे? क्या महाराज जी ऐसी बात कर रहे थे कि मुस्लिमों को मारो, या मुस्लिम मौलाना जी बात कर रहे थे कि हिंदुओं को मारो? क्या बात हो रही थी वहां पे? क्या मैं वहां पे ये कह सकता हूं कि सर उस दिन के अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ देखा था? मैं वो देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला? क्या कोर्ट अलाउ करेगी मेमोरी रिफ्रेश करना यहाँ पे? टंडन सर ने घोर आपत्ति जाहिर करी है, और मैं टंडन साहब के खिलाफ हूँ, और गोपाल सर टंडन साहब के खिलाफ है। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? नो आइडिया वाले बच गए मेरे ख्याल। तो हम टंडन सर और चौहान सर को लेके चलते हैं, और इसमें से चौहान सर का आंसर सही है। भाई फिर से सोचो, मैं इतनी सारी एस्पेक्ट्स और इतने सारे डायनेमिक्स लाया इसलिए हूँ देखने के लिए, ताकि हम बार बार उस सेक्शन को सोचें और फिर हमारे दिमाग में इनग्रेन हो जाए कि आइडिया क्या है, इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। भाई देर इज वन पर्सन जिसने कोई ना कोई स्पीच बोली, ठीक है, उस स्पीच को किसी बंदे ने राइटिंग में कन्वर्ट किया, जो न्यूज़पेपर में राइटिंग आई है किसी पत्रकार ने ही किया होगा ना, उस न्यूज़पेपर को कवर करने वाले आदमी ने ही किया होगा, तो सम अदर पर्सन हैज रिड्यूस्ड दैट थिंग इनटू राइटिंग, या तो राइट देन, या तो वहां पे उसने शॉर्ट हैंड में लिख लिया होगा सब कुछ, या फिर सो सून आफ्टरवर्ड्स वो ऑफिस गया और वहां पे आर्टिकल चिप दिया, फटाफट बनाना होता है इन्हें तो, उसी दिन के अंदर बाइट बनानी होती है। अब मैं एक बंदा हूं जो उस चीज को देख रहा था कि ऐसी ऐसी स्पीच हो रही थी, और उसके बाद मैंने अगले ही दिन न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल देखा, सो सून आफ्टरवर्ड्स मैंने वो राइटिंग देखी, एंड आई न्यू इट टू बी करेक्ट। व्हाई डिड आई नो इट टू बी करेक्ट? बिकॉज़ आई वाज प्रेजेंट व्हेन दैट स्पीच वाज गोइंग ऑन,
and I knew that newspapers were covering it. And then news, I saw an article in the newspaper. तो अगले दिन मुझे पता था कि ये सही इन्फॉर्मेशन है ना? तो मेरे दिमाग में चाहे वो एक एक शब्द ना रहे मगर ये बात जरूर मेरे को याद रही कि वो आर्टिकल सही था, बात उसमें वही लिखी हुई थी जो स्पीच में कही गई थी। तो मैं कोर्ट में आके ये बोल सकता हूं कि सर मैंने ऐसा एक राइटिंग देखी थी मेड बाय अनदर पर्सन जो मैंने सो सून आफ्टर वर्ड इन राइटिंग देखी एंड आई न्यू इट टू बी करेक्ट एंड सो आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई मेमरी यूजिंग इट। मेक सेंस? बस तो ये न्यूज़पेपर वाला ये हो गया। अब इसी के साथ साथ मुझे ये बता दो कि क्या मैं कोर्ट को कह सकता हूं सर मुझे टेप रिकॉर्डर जो है मैंने टेप रिकॉर्डिंग करी है मुझे टेप रिकॉर्डिंग सुन के अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है, कैन आई डू इट और नॉट? Yes or no? मैं तो टंडन साहब जो बोलेंगे मैं उसका अपोज करूंगा। टंडन सर क्या कहते हैं? आज तय कर रखा मैंने। अब तो नो आइडिया हो। इंटेलिजेंट। कर सकते हैं सर। अच्छा चंद चौहान सर कहते हैं यस। किसी और के पास कोई आंसर? कोई चौहान सर के साथ जाना चाहता है या अपोज करना चाहता है? राइटिंग तो नहीं है ना, चक्कर ये है। राइटिंग तो नहीं है। फिर कैसे करोगे? इंक्लूड यस कैसे करोगे? नहीं मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, हाँ या ना बताओ अभी। इसी में नहीं है, है जी? अरे बोल दो सर, नो बोल दो। नो, चलो नो बोल देते। सही बात है, नहीं होगा, नहीं होगा बिकॉज इट कैन नॉट कम। नो और यस में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। वही तो, इतनी देर तक आप शर्मा शर्मा के आंसर दे रहे हो। तो इट डज नॉट कम अंडर एनी राइटिंग। ये टेप रिकॉर्डिंग है। करेक्ट आंसर निकलवा लिया सर। हाँ, तो ये टेप रिकॉर्डिंग है। और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है या तो आपने खुद किसी चीज को नोट किया, राइटिंग करी, या सो सून आफ्टरवर्ड्स किया, या किसी और आदमी ने किया उसी टाइम या आफ्टरवर्ड्स। और फिर ऐसे आप बोलो तो न्यूज़पेपर वाले ने अपनी राइटिंग की, बट वो न्यूज़पेपर में छपा है उसकी राइटिंग में नहीं है ना। तो वो तो अदर पर्सन की राइटिंग होगी ना सर, अदर सेकंड कैटेगरी में तो आ गया ना। ये किसकी राइटिंग है? ये राइटिंग थोड़ी है। अब ऐसा है कि आपने वही लॉजिक लगाओ, आप कहते हो कि मैं न्यूज़पेपर देख के बता सकता हूँ, वो एडमिट कर लिया उसने कि हाँ ठीक है, अलाउ कर दिया, क्योंकि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ सर ये वो का वही है, ठीक है। और यही चीज अगर वो टेप रिकॉर्डर पर रखी है और वो आप सुनो बोलो हाँ ये वो परमिट नहीं करेगा, ठीक है, राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर ऐसा है उसकी राइटिंग नहीं है। तो उसमें भी जो न्यूज़पेपर वाले में उस छपा हुआ है उसकी राइटिंग में नहीं है, उधर अलाउ कर रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो? छपा हुआ तो राइटिंग ही होती है, प्रिंटिंग ही तो जनरल नॉलेज आइटम बोला, तो प्रिंटिंग, लिथोग्राफी एंड फोटोग्राफी। ओके, तो राइटिंग का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग थोड़ी बोला उन्होंने। जब शॉर्ट हैंड राइटिंग तक डाल दी, राइटिंग भी डाल दी, तो प्रिंटिंग में क्या हर्ज है? वो तो राइटिंग ही है, मगर इसको नहीं माना गया राइटिंग में। मे बी ये दूसरी तरह से एविडेंस में आ जाएगा कि भैया ये लो एविडेंस, ये देख लो हमारे पास टेप रिकॉर्डिंग है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट ले लो एंड ऑल दैट स्टफ। इसमें भी जजमेंट देख लेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा, बट फॉर नाउ दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे आता किसमें टेप रिकॉर्डिंग, अदरवाइज जो सुनाते हैं कई बार तो पहले भी होता रहा है। अगर मुझे टेप रिकॉर्डिंग कहीं पे सुनानी है सर, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और जब मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तो मैं एक तो कोर्ट की मेल पे भेज दूंगा, इट इज गुड वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि अगर पेनड्राइव में देते तो कई बार खोने के या टपने के या बाकी सारे जो गलत कांड होते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। तो वी शुड मेल इट टू द कोर्ट, मेल ले लो उस पर भेज दो, ड्राइव पे रख दो। अच्छा, मेल पे भी जब भेजो ना तो नॉर्मल मेल पे मत भेजो, ड्राइव का लिंक भेजो, क्योंकि ड्राइव से कहीं नहीं जाएगा, मेल से कभी कभी करप्ट हो जाता है, कभी कभी मेल से उड़ जाता है कि बहुत ज्यादा स्पैम वगैरह आ जाता है। 65B का सर्टिफिकेट लगा के कंप्लायंस हो जाएगा। आप मेल, एक तो आप मेल में देते हो, उसके बाद आप एक पेन ड्राइव में देते हो, वो पेन ड्राइव को एक आप लैमिनेटेड शीट के अंदर डाल के देते हो और उसके ऊपर लिख के देते हो कि ये किस चीज की है, कितने मिनट की है, किसके बीच में है, किस दिन की है और क्या सीन चल रहा है। और इसके साथ आप एक 65B का सर्टिफिकेट दे देते हो और उस 65B सर्टिफिकेट के अंदर आप सारी डिटेल्स डालते हो, किस दिन की है, किस डिवाइस से करी गई है, एटसेट्रा। और ये दोबारा बताना, ये जो आप लैमिनेटेड शीट में क्या डालते हो? ये पेन ड्राइव जो होती है ना, वो बोलते हैं कि एक आप लैमिनेटेड शीट लेके आ जाओ और उसके अंदर डाल के दे देना कि इधर उधर ना हो, बस इसलिए बोलते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो जाती है वो पेन ड्राइव, बस खराब ना हो, कोई मॉइस्चर वगैरह से खराब ना हो जाए, ऐसा कुछ ना। एक क्वेरी है मेरा, अब ये तो 65B तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए आ गए,
पहले जब ये कैसे चला करते थे, तो रील होती थी वो सुनाते, वो कैसे करते थे, कुछ आइडिया है? तब तो 65 भी नहीं करता था हैं, मैं तो नहीं करता था, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ आइडिया तो आंसर, एनी आइडिया? ये जो कह रहे हैं सर 2000 के बाद में तो ये आईटी एक्ट आया, उसके बाद में 65 बी वगैरह सब कुछ आया। 65 बी से पहले 1988-87 में टैप रिकॉर्ड पे ही जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की वगैरह के लिए रिकॉर्ड लिया जाता था, तो वो सीडी वगैरह वहां पर, तो वही चेक करवाते थे कि वही ओरिजिनल है कि नहीं, बस इसका तो इतना ही था। मतलब सीडी या उससे ही पहले कैसेट वगैरह थे वो चेक कराते होंगे, वॉइस बस वॉइस चेक होती थी बस, वो भी पुलिस अपने लेवल पे चेक कराती थी और उसमें भी घपले बहुत होते थे। वो सर प्रोसेस तो सारा सेम ही था, बस यहाँ पे तो इन्होंने ये इजी, उस समय 65 बी का सर्टिफिकेट नहीं लगता था, नहीं सर्टिफिकेट ना लगे, सर्टिफिकेट से कोई, सर्टिफिकेट से कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग में फर्क थोड़ी पड़ रहा, बस 65 सर्टिफिकेशन तो हमारे लिए आसान क्या किया है, 65 बी ने हमारे लिए सिर्फ आसान ये किया है कि हम फटाफट से एफिडेविट दे देते हैं साथ में और वो चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाती है उसी टाइम, हमें फॉरेंसिक्स वगैरह के लिए रुकना नहीं पड़ता, बस इतना ही तो इजी किया है। तो 65 बी उन्होंने डाल के ये कर दिया कि आप बस 65 बी पे ऑन ओथ हमें ये बोल दो कि ये चीज जो मैं दे रहा हूँ ये एकदम सही चीज है जो उसमें बात करी गई है वही है, साथ में आप एक ट्रांसक्रिप्ट लगा के भी दे दो, और फिर उसके बाद अगर ऐसा लगता है कोई ऑपोजिट पार्टी उसे अपोज करती है या कहती है सर ये गलत है तो हम इसको फॉरेंसिक्स के लिए भी भेज देंगे। अच्छा तब जाएगा फॉरेंसिक्स पे, एविडेंस इशू दे मान लिया, अगर अपोज किया जाता है सही बोल रहा है, अगर ऑब्वियसली अगर एडमिट किया जाता है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, बस 65 भी से तो ये हो गया कि उसी टाइम 65 भी दो ऑन एफिडेविट आपका वो मान लिया जाता है। अच्छा आपने बोला ट्रांसक्रिप्ट दो, मान लीजिए आधे घंटे का, तो पूरा आपको लिख के देना पड़ेगा क्या डिस्कस हो जाए? अरे दो दो घंटे का लिखना पड़ता है सर, बहुत लंबी लंबी हो जाती है, 60-60 पेज की ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, मैंने तो खुद लिखी है, और वो सुनने में गड़बड़ होती है तो ध्यान से सुन के, और आप तो जानते ही हो जो हमारा वो वाला जो सैलरी रिकवरी वाला केस दिल्ली वाला जो है, आई नॉट टेक नेम्स, उसी केस में उसके अंदर एक 30 मिनट की है, एक 38 मिनट की है, एक 2 मिनट की है और एक 4-5 मिनट की है, वो पूरी मैंने अपने हाथ से टाइप करी थी और रात को करी थी, नहीं तो मैं बाहर से भी करा लेता, रात को करनी पड़ी थी क्योंकि अगले दिन हमें सुबह सुबह देनी थी। ये कसाब वसाब वाले मामले में इसमें हुए होंगे ऐसे, बहुत समय लगा हुआ है और मजा बहुत आता है। कसाब का जो केस हुआ था ना, उसमें ये फोन ट्रैपिंग और ये सब कितनी हुई होगी, एक एक चीज लिखनी पड़ती है उसमें, हा 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 क्या रहा होगा, कर रहे हो कैसे, इतना वॉल्यूम देखो सर, उसमें किसी ने छींक दिया तो लिख दो स्नीजिंग, हंस रहा तो वो उसको हंसने का हा हा लिखो, ये सारा डालना पड़ेगा, पहुंचे तो पहुंच बताना पड़ेगा, इतने कि उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए बीच बीच में, और फिर उसके अंदर आप मार्क करके दे देते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, इससे दिखाई देता है कि इनका केस खराब है अच्छा है जो भी है, कोर्ट के लिए इजी बना देते हो आप। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक पंडित जी हैं, एक बच्चे की एज की बात हो रही है, एज डिटर्मिनेशन की, और एक पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया कि सर ये बताओ कि ये जब आपने इनका क्रिया वगैरह करा था, जो भी करते हो पूजा करी थी, तब ये कितने साल के थे? तो वो बोलता है कि सर, और वो क्या डेट थी? तो वो बोलता है सर मुझे हॉरोस्कोप चेक करना पड़ेगा। क्या ये हॉरोस्कोप को हम एनी राइटिंग के अंदर गिन सकते हैं, एंड कैन वी लेट हिम डू द रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी यूजिंग इट? टंडन सर ने कहा मैं निकल ही लेता हूँ अभी, छोड़ो यस कर सकते सर, कर सकते, मुझे घेर लेंगे, यस कर सकते सर, यस। सो हॉरस मतलब ये मैंने इसीलिए डाला यहाँ पे कि हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ राइटिंग, हाथ से लिखने वाली राइटिंग होती है, इट्स नॉट जस्ट राइटिंग, राइटिंग का राइटिंग माने भैया कुछ भी, एनी प्रेजेंटेशन, एनी रिप्रेजेंटेशन, साइन सिंबल सब कुछ हो सकता है, हॉरोस्कोप भी हो सकता है उसमें, वो जो भी बना रहा है, बुधुष्ट गुरुष्ट शुक्र शनि राहु केतु सब कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलो अब पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। नाउ जो हम यहां पे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के एवज में हम यहां पे ओरल एविडेंस दे रहे हैं, हम ओरल एविडेंस दे रहे हैं, राइट? और ये ओरल एविडेंस माना जा रहा है कोर्ट में, इट्स नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, उसके ऊपर से ओरली हम टेस्टिफाई कर रहे हैं, ओरली बता रहे हैं कि ये है, ये है, ऐसा है, तो ये एक तरह से हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी एविडेंस हो गया ये, राइट? ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया ना एक तरह से, उस प्राइमरी डॉक्यूमेंट का, प्राइमरी एविडेंस का सेकेंडरी एविडेंस ये हो गया जो हम दे रहे हैं, ये कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है, बस ये बता दो। 65 नहीं सर, 63 का 5 जो कहता है कि ये सारी चीजें सेकेंडरी 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 हैं, एंड
ओरल अकाउंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट द पर्सन हैज सीन हिमसेल्फ भी सेकेंडरी एविडेंस है. तो जो आप ये दे रहे हो एक तरह से सेकेंडरी एविडेंस है. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं दो सेकंड के लिए वॉशरूम गया था. आप एक मिनट, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं एक सेकंड इसको क्लियर कर दूं पहले. अब एक बात सुनो, ये जो हमने मुंह से बोली बात यहाँ पे, ये तो सेकेंडरी एविडेंस 63/65 में आ गई, मगर अगर मैं ये ओरल बात जो कह रहा हूँ, जो मैं ओरल चीज कह रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अ शॉर्ट हैंड नोट दैट आई हैड मेड. मैंने एक शॉर्ट हैंड नोट बनाया था ऑफ of a report that was being read by some officer in a seminar. मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया, वहां पे एक ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट पढ़ के सबको सुना रहा था कि देखो रिपोर्ट में ये आया है. मैं वहां पे एज पत्रकार गया था और मैंने शॉर्ट हैंड में ये सब कुछ नोट कर लिया था. आज मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हूँ और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और मैं कहता हूँ कि सर मुझे अपने शॉर्ट हैंड नोट को देखना पड़ेगा और फिर मैं कुछ बता पाऊंगा, तो मेरा शॉर्ट हैंड नोट जो है वो तो अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है. उस शॉर्ट नोट अपने आप में प्राइमरी है ना, प्राइमरी चीज है, वो तो ओरिजिनल है. उसके ऊपर से जो मैं ओरल टेस्टिमनी दे रहा हूं वो मेरा सेकेंडरी एविडेंस है, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये शॉर्ट हैंड राइटिंग इस रिपोर्ट की सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि जो उन्होंने बोला मैंने वो नोट किया. मैंने इस रिपोर्ट को सामने सामने सुना, शॉर्ट हैंड में उसे नोट डाउन किया, और ये शॉर्ट हैंड ओरिजिनल है, प्राइमरी है. इस प्राइमरी का सेकेंडरी मैं ओरल भाषा में दे रहा हूं. क्या ये शॉर्ट हैंड ओरिजिनल इस रिपोर्ट का सेकेंडरी मान सकते हैं? मान सकते हैं. अरे क्यों मान सकते हैं भाई, क्यों मान सकते हैं? अगर आप देखो ना 63/5 में बोल रहा है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट. सर अब मैं इसका बताऊं आपको एग्जांपल. एक सेकंड. टंडन सर ने बोला ओरल अकाउंट्स ऑफ द, ओरल थोड़ी है सर ये तो शॉर्ट हैंड राइटिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये ओरल कहां है? ये ओरल अकाउंट थोड़ी है, ये तो शॉर्ट हैंड राइटिंग है भाई साहब. मैंने कहा मैं एक सेमिनार में गया, वहां पे एक रिपोर्ट रीड करी जा रही थी, वो रिपोर्ट मैंने रीड करी, मैंने सुनी और मैंने शॉर्ट हैंड राइटिंग में सब नोट कर लिया. ठीक है, और मुझे आज कोर्ट में बुलाया गया एज अ विटनेस और मैंने उसके ओरल अकाउंट दिए. अब हमने ये तो जान लिया कि भाई ओरल अकाउंट जो हम दे रहे हैं वो एक तरह से सेकेंडरी एविडेंस है, उस प्राइमरी का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा रहा है 159 में, है ना. ये तो हमारा सेकेंडरी हो गया, ये मैंने ओरल अकाउंट जो दिया था वो सेकेंडरी था. उस ओरल को मैंने कह दिया हाँ 63/5 में आता है, मगर इस समय मैं इस ओरल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये शॉर्ट हैंड राइटिंग वाला अकाउंट जो है. क्या ये शॉर्ट हैंड राइटिंग वाला अकाउंट इस रिपोर्ट का सेकेंडरी है या नहीं है? जो रिपोर्ट मैंने सुनी, जो सेमिनार में रिपोर्ट बताई जा रही थी, उसका सेकेंडरी क्या ये शॉर्ट हैंड है या नहीं? सेम कंटेंट है दोनों में. चलो सिनेरियो हल्का सा और क्लियर करता हूं. इस ओरल को छोड़ दो, 159 वाले को छोड़ दो बाहर. ठीक है, बात इतनी हो रही है कि एक केस में कोर्ट ने एक बंदे को बोला है अच्छा यार ये जो डिस्प्यूट जो चल रहा है ना रिपोर्ट पे, लाओ हमारे पास रिपोर्ट पैदा करो, आप हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करो, प्रस्तुत द रिपोर्ट. आप कहते हो कि सर रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, वो रिपोर्ट तो वो भाई साहब के पास थी जो उस टाइम पे हमारे एमडी डायरेक्टर थे और वो तो कहीं चले गए बाहर मरमुरा गए, मगर हमारे एक बंदे ने शॉर्ट हैंड में उसको नोट डाउन किया था, मैं वो ला सकता हूँ सर आपके लिए, वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा ना सर. अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि उस रिपोर्ट का सेकेंडरी एविडेंस शॉर्ट हैंड राइटिंग को मान लिया जाए? सर सर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट सर. अच्छा प्रशांत सर कहते हैं यस. चलो हाई कोर्ट में पूरा शॉर्ट हैंड का ही रहता, वही लोग डिक्टेशन करता शॉर्ट हैंड का ले लेता. It is a language of the court. When they are dictating the judges, they will take na sir at the same time also. नहीं वो बहुत अच्छी बात है सर, वो ले लेते होंगे, मगर क्या वो कोर्ट की जजमेंट की सेकेंडरी बन जाती है? क्या वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है उसका? Does it become secondary evidence? Yes, yes sir. According to my opinion, may not. चलो प्रशांत सर, नहीं सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी सर. गोपाल सर ने नो बोल दिया. नहीं होगी सर.
टंडन सर परेशान हो गए। अक्षत मेरे ख्याल सो ही चुका है, उसने असल में कहानी क्या हुई है, मैं वॉशरूम गया, वो आप बता रहे थे ना हॉरोस्कोप का, वो मिस कर गया, तो मैं पूछ रहा था कि थोड़ा दैट वाज नॉट हॉरोस्कोप, बिल्कुल अलग कहानी थी, इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस वन। नहीं वो सेकेंडरी की बात हो रही थी तो मिस कर गया, मैं आई एम नॉट एबल, उसमें सेकेंडरी की बात नहीं हुई थी सर, कुछ था वो हॉरोस्कोप तो हमने सुन ही नहीं पाया ना, हॉरोस्कोप में सेकेंडरी के नाम पे कुछ भी नहीं था, सेकेंडरी सिर्फ हमने यहीं पे पढ़ा है, उसके बाद जो अभी तक आपको मैंने बताया वो आपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुना है, उस पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इन तीन चीजों में से मैंने चीजें पूछी हैं, इस ओरल को तो सेकेंडरी हमने मान लिया, इसका सेकेंडरी हमने इसको मान लिया, ये ओरल अकाउंट्स हैं इसके, मगर रिपोर्ट का क्या ये सेकेंडरी है, ये क्वेश्चन है, और जैसा कि गोपाल सर ने बोला वो नहीं है भाई साहब, सेकेंडरी वो होता है जो 63 के अंदर आ जाए, 63 में हू बहु कॉपी होनी चाहिए। आप कह रहे हो मैंने शॉर्ट हैंड लिया, भाई मुझे क्या पता आपने शॉर्ट हैंड लिया, और दूसरी चीज अगर हम पुराने जमाने की बात करें, आप पूछोगे भाई उस टाइम पे तो प्रिंटिंग और फोटोकॉपी नहीं होती थी, हू बहू तो नहीं आता था उस टाइम पे, क्या करते थे, 63 में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने उसके साथ मिलाया है, कंपेयर किया है उसे, तब जाके माना जाएगा कि वो सेकेंडरी एविडेंस है, नहीं तो नहीं माना जाएगा, चाहे आप कुछ भी लिख के ले आओ, वो लिखने से सिर्फ सेकेंडरी नहीं बन जाता, आप बोल रहे हो कॉन्टेंट तो सेम है, नहीं भाई हम नहीं मानते, कंपेयर किया या नहीं किया, अब एक बार 63 पढ़ के देखो, लेट्स जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स 63 पढ़ के देखते हैं, हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तीन चीजों की अलग अलग बात हो रही है, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे सीखने वाला। तो ये क्या था कि पहले देखो सर्टिफाइड कॉपीज ये तो होती है सेकेंडरी, तो हम जानते हैं सेकेंडरी एविडेंस में आ जाता है, क्या हमारा केस आता है सर्टिफाइड कॉपीज में, ऑब्वियसली नॉट। दूसरा कहता है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, क्या यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस हुआ था हमारे केस में, नहीं, शॉर्ट हैंड राइटिंग है, मैकेनिकल नहीं है, विच इन देमसेल्फ इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द कॉपीज एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, तो वहां पे एक मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या है, मैं वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ, पूरा करूंगा मैं, चिंता मत करो, मैकेनिकल प्रोसेस में आगे जो हमारे प्रिंटर स्कैनर वगैरह होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है ना, डाला और उसमें से आ गया बाहर, मैकेनिकल मशीन से होने वाला, समय जब ये लिखा गया था 63 समय ये सब फोटोकॉपी प्रिंटर वगैरह नहीं होते थे, वो साइक्लो स्टाइल मशीन। एक बात बताऊं आपको, जो पहली प्रेस प्रिंटिंग वाली एक चीज थी ना टेक्नोलॉजी, माने प्रेस प्रिंटिंग का जो वो था, क्या बोलते हैं, माने द आइडिया ऑफ प्रेस प्रिंटिंग केम इन 2000 BC। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ प्रिंटर टाइप का सीन, बट इट वॉज अ स्टोन जिसके अंदर ऐसे दांतों को कट किया गया था कि उसके अंदर अगर आप कोई चीज डालो, पत्ते वत्ते या जो भी वो करते होंगे उस टाइम, आई वॉज रीडिंग अबाउट पेपुआ न्यू गिनी, इसके न्यूजीलैंड के पास जो है, उसमें वो डालते थे और उसके ऊपर वो चीज छपके आ जाती थी जो उसका डिजाइन होता था। तो अराउंड 1800-1900 ये चीजें तो आई चुकी थी, प्रिंटिंग प्रिंटिंग का हल्का फुल्का इनको रहा होगा सीन कि कैसे होता है क्या होता है, कुछ तो पता ही होगा, जो भी रहा होगा किसी हाथ के प्रोसेस से करते होंगे, ठीक है। एनीवेज ये जहां से भी आया उसका मतलब यही है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, हो सकता है ये बाद में ऐड हुआ मगर उसकी अमेंडमेंट ना लिखी हो, बहुत पुराना ऐड हुआ, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इन देमसेल्फ इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंश्योर हो रही है तो आप मान लोगे सेकेंडरी है। क्या हमारे वाले में मैकेनिकल प्रोसेस है, क्या वहां पे एक्यूरेसी इंश्योर हो रही है, बंदे ने क्या लिखा हमें पता है, नहीं पता। तीसरा बोलता है कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ये वाला सीन होता है अगर मैं ओरिजिनल देखता यहां पे उसको अपने हाथ से लिखता और फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाता, पहले कोर्ट में ये हुआ करता था, इस तरह से कॉपियां दी जाती थी तब जाके सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था कि सर देखो ये कंपेयर्ड कॉपी है, तब जाके इसके ऊपर एक अधिकारी लिख सकता था हाँ जी ये ट्रू कॉपी है। टाइम लगता होगा बहुत ज्यादा, तो उसको सेकेंडरी हम मान सकते थे मगर क्या हमारे केस में कंपेयर किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। अगला बोलता है काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, ये तो छोड़ ही दो, ये तो लगता ही नहीं बिल्कुल भी कतई। और पांचवा कहता है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैड हिमसेल्फ सीन इट, क्या यहां पे ओरल अकाउंट्स दिए जा रहे हैं, क्या उस रिपोर्ट का ओरल अकाउंट है मेरी शॉर्ट हैंड राइटिंग, मेरी शॉर्ट हैंड राइटिंग तो अपने आप में राइटिंग है ना, ओरल तो है ही नहीं, मेरी राइटिंग का ओरल अकाउंट अगर मैं दूं वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि जब हम ओरल अकाउंट देते हैं उसमें हम एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली नहीं बोल इंश्योर कर सकते ना। मैं ओरल अकाउंट किसी भी चीज का दूंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा सर उसमें ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था और वो लिखा था, बस मैं यही बता सकता हूँ कि मैंने वो राइटिंग देखी थी। तो ओरल अकाउंट में वो कोई ऐसी बाध्यता नहीं डालता कि यू विल हैव टू इंश्योर एक्यूरेसी, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे केस में जो शॉर्ट हैंड राइटिंग है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, मैं बस ये पॉइंट समझाना चाहता था कि इन तीन चीजों में कंफ्यूज मत होना, देयर इज एक ओरिजिनल, एक सेकंड सर, एक ओरिजिनल चीज हो रही है
उसकी हम कॉपी बना रहे हैं और फिर इस कॉपी के हम ओरल अकाउंट्स दे रहे हैं। इस कॉपी के ओरल अकाउंट्स 63(5) में सेकेंडरी एविडेंस हैं, मगर इस रिपोर्ट का ये शॉर्ट हैंड राइटिंग कोई सेकेंडरी एविडेंस नहीं है बिकॉज इट डज नॉट इंश्योर एक्यूरेसी। अगर इस रिपोर्ट को मैं उसी सेमिनार में एक प्रिंट स्कैनर में डाल के उसका प्रिंट आउट निकाल लेता तो वो सेकेंडरी एविडेंस होता, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। शॉर्ट हैंड राइटिंग से सेकेंडरी एविडेंस थोड़ी बनता है। सो दिस वाज द पॉइंट। हां जी टंडन सर, आप कह रहे थे कुछ। मैंने तो वो आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनूंगा, आप चढ़ाओगे फिर देखेंगे। चलो ठीक है। एनीवेज, जो आपने मेरे से हॉरोस्कोप वाला पूछा था उसमें ऐसा था कि एक बच्चा है, उसकी एज का कुछ पता लगाया जा रहा है और एज पता लगाने के लिए पूछा गया है, पंडित जी को बुलाया गया कि आप बताओ कि जिस टाइम ये पैदा हुआ था उस टाइम कैसे, मतलब कितने कितने उम्र का था, क्या टाइम था, क्या समय था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं हॉरोस्कोप लेके आ सकता हूँ, मैंने उस टाइम पे इसकी कुछ पत्री वत्री बनाई थी, वो देख के मैं बता दूंगा कि उस टाइम पे मंगल वंगल कहाँ थे और ऐसे ऐसे करके मैं बता दूंगा, तो पता चल जाएगा कि उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या काल चल रहा था। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये हॉरोस्कोप राइटिंग के अंडर आ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, तो ये आ सकता है। तो एक चीज तो ये हो गई। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट्स पे हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो अपने कुछ नोट्स बनाता है डायरी में। कैन ही से इन द कोर्ट कि सर मैं इन नोट्स को, जिन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है एविडेंस में, ना इसकी कोई एडमिसिबिलिटी है, ना इसकी कोई रेलेवेंसी है, इनको मैं यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ, कैन आई डू दैट? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हम समझ चुके थे कि भाई ये जो चीज है ये एडमिसिबल होनी चाहिए, है ना। सॉरी, एडमिसिबल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस डॉक्यूमेंट को आप यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हो वो एडमिसिबल हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी गहन चीज, जैसे अभी हमने सेकेंडरी एविडेंस वाला देखा वैसे ही वाला सीन। ये बताओ, ये तो हम मान गए कि डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होना कोई जरूरी नहीं, बट क्या उसके कॉन्टेंट्स एडमिसिबल होने जरूरी है जिसको आप यूज कर रहे हो रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए? चलो मैं बता देता हूँ, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट, अगर मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है एविडेंस एक्ट में कि मैं एक रेप के केस में किसी से, किसी विक्टिम से ये नहीं पूछ सकता कि उसका प्रोस्टिट्यूशन कैसे था या व्हाट इज हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस या ऑल दैट, मैं नहीं पूछ सकता, ये सारी चीजें एडमिसिबल नहीं है ना। अगर मैंने ऐसी किसी चीज का कोई नोट लिया है किसी चीज में, ऐसे कंटेंट्स मैंने कहीं पे लिखे हैं, क्या मैं उसको यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर पाऊंगा? भाई जब ये कंटेंट ही टोटली इनएडमिसिबल है, जब ये यूज ही नहीं हो सकता कोर्ट में, तो इससे मेमोरी रिफ्रेश करके करेगा क्या, तेरे से पूछ क्या रहा है कोई, ठीक है ना। तो ये तो मेरे ख्याल इजिली समझ आता है सबको, सॉरी इसको नो, इट कैन नॉट बी यूज, ठीक है। तो कंटेंट आपका जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कोर्ट में यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं आप किसी भी चीज को रिफ्रेश कर रहे हो, मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हो, उसका कोई यूज नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो, है ना। चलो Now, tell me, another question है, मैं एक डॉक्यूमेंट यूज करके कोर्ट में अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैं एक डॉक्टर हूं, जब मैंने एक पोस्टमार्टम किया तो मैंने कुछ नोट्स बनाए, अपनी एक रिपोर्ट या कुछ बनाई, अब मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हूं एज अ विटनेस और मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स और नोट्स मैंने बनाए उनको यूज करना चाहता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग माई मेमोरी, ठीक है जी। Now, मैं कोर्ट में ये नहीं बताता या ये बताने में असक्षम रहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कब बनाया और ये डॉक्यूमेंट है क्या, when and what मैं नहीं बता पाता इस डॉक्यूमेंट का। Can I use this document to refresh my memory? So, ये एक प्री रिक्वेस्ट है कि जो जिस चीज को आप यूज कर रहे हो पहले कोर्ट को बताओ भैया उसकी रेलेवेंसी क्या है। Although relevancy का गेम है नहीं यहाँ पे, मगर आप ये तो बताओ when and what भैया, क्या है ये document, क्या refresh कर रहे हो इस चीज से, जब हमें context ही नहीं पता, court से छुपा के थोड़ी करोगे कि सर कुछ मुझे refresh करना है, बस मुझे देखने दो, एक चीज देखना चाहता हूँ जिससे मेरा एक चीज refresh हो जाएगी, तो court कहेगी वो एक चीज क्या है, सर वो नहीं बता सकता, तो वो एक चीज आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। बेसिकली
कोर्ट के सामने वो चीज यूज करोगे जो पता है भैया, कोर्ट को तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियस सा पॉइंट है ये बड़ा। नाउ व्हाट इफ अ राइटिंग वाज मेड बाय सम थर्ड पर्सन, नाउ एक किसी जगह पे कोई अपराध होता है, यहां पे तीन लड़कों ने एक लड़के को घेर के मार दिया, यहां पे एक बंदा छुपा हुआ है, उसने इस चीज के सारे नोट्स बना लिए, जैसे टंडन सर ने बना लिए थे वैसे ही नोट्स बना लिए, ठीक है। अब एक ट्रायल चला, उस ट्रायल में एक बिल्कुल ही थर्ड पर्सन आता है, अनजान पर्सन, वो सर का नोट्स देखता है, उसको प्रोसिक्यूशन साइड कहती है कि देख हमारे यहां पे एक बंदे ने ये नोट्स बनाए थे, और अब ये कोर्ट में कहता है सर ये नोट्स ना उसी टाइम बने थे, ये टंडन सर ने बनाए थे, मैं बता देता हूँ सर मैंने ये नोट्स यूज करे हैं, मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ और उस हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा गया, कैन आई यूज इट। आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर ट्रायल के समय, उसी समय प्रेजेंट हो रहा था। प्रेजेंस जरूरी नहीं है सर, फिर गलती कर रहे हो, प्रेजेंस में मैंने कैटेगोरिकली क्वेश्चन पूछा है, इसकी प्रेजेंस वहां जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि या तो राइट एट दैट टाइम ये उसको रीड कर ले या फिर सो सून आफ्टरवर्ड उसे रीड कर ले, प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, पढ़ सकता सर मेरे सर, उसकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, बस जरूरी ये है कि वो सो सून आफ्टरवर्ड उसे यूज कर ले और रीड कर ले। मगर गोपाल सर ने बोला कि वो नहीं सर, एक मिनट सर, यहां गैप है थर्ड पर्सन के, वो सो सून में नहीं आ रहा है क्या, एक बार वापस बताइए। ये मैंने बोला ना ये थर्ड पर्सन है, ये बस आया है और इसको प्रोसिक्यूशन ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हमारे एक बंदे ने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, लो इसको रीड कर लो और तुम्हें इंसिडेंट नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि वो उस टाइम वहां पर जो है क्योंकि अगर हम टेक्निकली सेक्शन के हिसाब से देखें तो भैया आपने रीड तो किया है, ठीक है, मगर क्या आपने उसी टाइम किया, और दूसरा डिड यू नो इट टू बी द ट्रू फैक्ट्स, ये भी तो उसमें रिक्वायरमेंट है ना, तुझे कैसे पता कि ये सच्चे फैक्ट्स है भाई, ये तो ऐसे मुसलमान बन रहे हैं, ये जबरदस्ती की चीज है, तो ये भी नहीं कर सकते, ये दूर दराज की चीज है, कोर्ट से कवर करिए, तो मैंने कहा चलो हम भी कवर कर लें, ठीक है। Now, एक सेकंड, ये इसमें आएगा ना, विटनेस में आल्सो रेफर टू इन सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड इफ व्हेन ही रेड इट ही न्यू टू बी करेक्ट, मतलब इसमें आ जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसमें आ जाएगा नहीं आएगा ना, मतलब नहीं क्यों उसमें डिड ही नो दैट इट वाज करेक्ट, क्या यही तो मेरा कहने का मतलब है, प्रेजेंट नहीं था ना वो सब, प्रेजेंस से मतलब नहीं है ना सर, हमने ऊपर एक एग्जांपल और देखा था, अगर यहाँ पे आपने एक मर्डर होता हुआ देखा, ठीक है, आपने उसको नोट कर लिया, आपने उसको नोट कर लिया, और जब आपने नोट किया, जैसे मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला देखा था, आप भागते हुए अपनी टीम के पास गए और आपने अपनी टीम को उसी टाइम 5 मिनट में आप भाग के आपने दिखाया कि यार देखो वहां पे ऐसे ऐसा हुआ है, आई मेड माई नोट्स, ऐसा 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 हुआ है, और लोगों को यहाँ पे, अब ये लोग वहां पे प्रेजेंट तो नहीं थे ना जब आपने सब कुछ नोट किया, मगर यहाँ पे इन्होंने जैसे आप आए तो सो सून आफ्टरवर्ड इन्होंने इसको देखा एंड दे न्यू कि आप सही चीजें नोट करके लाए हो, ठीक है, ये डिफरेंस है, सो प्रेजेंस की जरूरत नहीं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी चीज को यूज कर लेता हूं रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए, क्या वो कोर्ट में एविडेंस बन जाती है, यही हमने एग्जांपल देखा ना, पंचनामा, इट वॉज अ राइटिंग रिटन बाय समबडी एल्स सून आफ्टर समथिंग 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 एवरीथिंग, ओके, और उसके बाद जो पंच थे उनको विटनेस की तरह बुलाया गया, क्वेश्चन किया गया, और इन्होंने कहा कि सर हम वो जो चीज पे हमने साइन किया था जो पुलिस वालों ने बनाई थी उसको यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहते हैं, बिल्कुल रिफ्रेश कर सकते हो, मगर क्या वो रिफ्रेश होने से आपका पंचनामा एविडेंस बन जाएगा, क्या पंचनामा एविडेंस बन जाएगा, पंचनामा एविडेंस नहीं होता, आर वी ऑल क्लियर, पंचनामा इज नॉट एन एविडेंस, पुलिस वाले जो भी बना के लाते हैं वो तो कुछ एविडेंस होता ही नहीं ना, उसके बाद जब विटनेसेस को बुलाया जाता है वो बयान देते हैं, वो बयान एविडेंस होते हैं, राइट, तो सिर्फ आपके किसी डॉक्यूमेंट को 159 में यूज कर लेने से उसको ना सैंक्टिटी मिल जाती है, ना आप उसको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो, ना वो कोई सब्सटैंशियल एविडेंस बन जाता है, 159 का ऐसा कोई इंप्लीकेशन नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। टंडन सर आप कुछ कह रहे हो, भाई ऐसा है, अभी आपने बोला जब विटनेस स्टेटमेंट देता है उसके बाद वो एविडेंस वैल्यू बन जाती है, ऐसे कुछ बोला ना अभी थोड़ी देर पहले आप, मैंने कहा जब विटनेस स्टेटमेंट देता है
उसकी स्टेटमेंट एविडेंस होती है. होल्ड अप, ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश करके बोला ये मेरा एविडेंस वैल्यू नहीं हो जाएगी स्टेटमेंट आगे मेरे. अगर आपने रिफ्रेश करके बोला, दो चीजें हैं, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. जिस चीज को आपने यूज किया रिफ्रेश करने के लिए अपनी मेमोरी, एक तो वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, माने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचनामे की, एक तो पंचनामा है, और दूसरा जो आपकी एविडेंस लिखी, तो बोलते ही उसे एविडेंस है, हम बताओ विटनेस जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो आपकी स्टेटमेंट लिखी गई है, एक वो है. जिस केस लॉ को मैं पढ़ रहा हूं वो हमें ये बताना चाहता है कि पंचनामा अपने आप में एविडेंस नहीं होता, राइट. पंचनामे को अगर आप कोर्ट में लाते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, डज नॉट मीन कि पंचनामा अब एविडेंस बन जाएगा. पंचनामा एविडेंस नहीं बन जाता सिर्फ रिफ्रेश कर लेने की वजह से, मगर उसको यूज करके जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो एविडेंस है. सो द पॉइंट इज जस्ट बिकॉज यू हैव यूज्ड समथिंग फॉर रिफ्रेशिंग योर मेमोरी अंडर 159, इट डज नॉट एड सैंक्टिटी, इट डज नॉट मेक इट एडमिसिबल, इट डज नॉट मेक इट रेलिवेंट, इट डज नॉट मेक इट एविडेंस. ठीक है, ये है मैटर. चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां पे बात कर रहे हो मुझे रिफ्रेश करनी है मेमोरी, तो भाई मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो इसका मतलब ये है ना कि आप कुछ भूल गए हो, करेक्ट. अगर आप कुछ भूले हो तभी तो 159 यूज करोगे, अगर सब कुछ याद है तो 159 यूज क्यों करना है, करेक्ट. अब अगर आपने रिकलेक्शन करनी है मेमोरी की और आप कहते हो सर मैं ये डॉक्यूमेंट यूज करना चाहता हूं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, आर यू रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश योर केस ऑफ लैक ऑफ रिकलेक्शन? क्या आपको ये प्रूव करना जरूरी है, ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि मैं भूल चुका हूं? Yes or no? Do I have to put up such a case? टंडन सर ने कहा है ना, और चौहान सर की तरफ से भी vehemently opposed है, एंड वही सही चीज है. ऑब्वियसली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव हो ही नहीं सकता भाई, मैं कुछ भूल गया या नहीं भूला, ये कैसे प्रूव होगा? That's a mental element, right? तो वो प्रूव नहीं हो सकता. चलो जी, नाउ नेक्स्ट है, अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए यूज किया है, कैन दी अदर पार्टी क्रॉस एग्जामिन मी ऑन व्हाट आई हैव सेड, और इट कैन क्रॉस एग्जामिन मी ऑन द होल डॉक्यूमेंट? बताओ जी. होल डॉक्यूमेंट या ओनली व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट? यस, ओनली व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. टंडन सर कहते हैं ओनली व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. चौहान सर कहते हैं अगर उसने डॉक्यूमेंट यूज किया है रिफ्रेश करने के लिए तो होल डॉक्यूमेंट को रेफर किया उसने, तो चौहान सर कहते हैं होल डॉक्यूमेंट. और भाई हमें नहीं पता कौन सही है और कौन गलत क्योंकि इस पे दोनों तरह की जजमेंट्स है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं और कौन बाद में आई है और बाद में सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलता है, ठीक है. बट आई वुड गो फॉर होल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा था कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट पीछे हमने कौन सी जगह पे देखा था कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहे थे और उसको यूज कर रहे थे तो अगले बंदे को राइट मिल जा रहा था कि हमें क्रॉस एग्जामिन करेगा वो ऑन होल डॉक्यूमेंट, सिर्फ हमारी कहीं भी बात पे नहीं पूरी चीज पे कर लेगा. आई एम नॉट वेरी श्योर क्या पढ़ा था हमने वो, बट मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि होल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जब जजमेंट पड़ेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. लेकिन ये 161 का है ना, इसमें तो ये जो आपने पॉइंट उठाया है, मतलब जो 161 सेक्शन है ना इसके आगे की 159 आप बता रहे हैं आज, 61 पढ़ेंगे तो उसमें है ही 61 में क्या? इसी एविडेंस एक्ट में 161 इसमें है सर, मैं उसी के ही हिसाब से बोला था. हाँ नहीं नहीं, वहां पे सर क्रॉस एग्जामिनेशन तो है, वो तो बिल्कुल है, मगर ये नहीं है ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू कितना पार्ट, होल डॉक्यूमेंट. अब वही तो है ना, वो जजमेंट्स कंफ्लिक्टिंग है, क्वेश्चन तो यही है जजमेंट कंप्लीटिंग है कि आप पूरे पे बात कर सकते हो या सिर्फ जितना उसने पूछा है उस पे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है. होल डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, अब देखो क्या होता है. मैं भी होल डॉक्यूमेंट में हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या किस्मत लेके जाती है हमें, ठीक है. जजमेंट तो हम इसकी बाद में करेंगे, पहले हम खत्म कर लेंगे सेक्शन अपने. मैंने इसलिए बोला है क्रॉस एग्जामिनेशन का क्योंकि आपका लैंग्वेज बोलता है 137, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी शुड बी कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन कर रहा है, अब वो डॉक्यूमेंट को क्यों करेगा? ये तो बहुत जनरल तरीका हो गया सर इसको देखने का, लॉ तो इससे बहुत ज्यादा टेक्निकल है.
वो जितनी बात कह रहा है, जितनी स्टेटमेंट उसने दी है, आप एक बंदा आर्ग्यू ये कर सकता है कि सर जब मेरी नॉलेज ही इतनी है तो आप मेरे से इतनी ही बात पूछो ना, मैं बाकी चीजों पे कैसे कुछ बता दूंगा, मुझे उस पर क्यों क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगला बंदा ये कह सकता है कि जब आपने वो डॉक्यूमेंट यूज किया है तो हो सकता है डिफेंस हैज अ पॉइंट टू मेक बाय आस्किंग यू समथिंग एल्स अदर देन व्हाट यू वर क्रॉस व्हाट यू हैव टॉक्ड अबाउट। हो सकता है पूरे डॉक्यूमेंट पे कर सकता है या उसके स्टेटमेंट पे करेगा, यही था ना सवाल। हाँ जी, तो भाई डॉक्यूमेंट पे क्यों करेगा उसको, आपने जो मैंने उसको रेफर करके स्टेटमेंट दिया वो एग्जामिनेशन। वही तो कहना चाह रहा हूं सर, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं कह रहा कि यही होगा, बट मुझे लग रहा है कि यही होगा। बाकी हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। यही बोल रहा हूँ कि मेरा लॉजिक चाहे वो जनरली हो, लेकिन मेरा बेसिक लॉजिक ये था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी में भी कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन आप मेरे स्टेटमेंट पे ही करोगे ना, उसमें पर ये थोड़ी लिखा है कि आप कितने पार्ट पे करोगे, इसमें तो लिखा ही नहीं ना, वो उसमें हम सर्टेन नहीं है ना, उस चीज पे दोनों तरफ जा सकती है वो बात। लेट्स सी ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज को यूज करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हो, क्या आपको प्रूव करना जरूरी है कि जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं इट इज एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन और इंसिडेंट और इशू? डू वी नीड टू प्रूव एक्यूरेसी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट दैट वी आर यूजिंग फॉर रिफ्रेशिंग आवर मेमोरी? नहीं सर, एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। और इसको बात है, और इसको पहला एग्जांपल, अभी तक हम शॉर्ट हैंड वाली बातें करते हुए तो आ रहे हैं, इवन हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप वाला वो भी कोई एक्यूरेसी नहीं है उसमें, आपको ये दिखाना जरूरी नहीं है, आप तो बस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हो भाई, आप एक तरह से कोरोबोरेशन में मदद कर रहे हो, और ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरोबोरेशन भी नहीं है, बहुत तगड़ी कोरोबोरेशन नहीं है, हल्की फुल्की कोरोबोरेशन है कि आप चलो ठीक है यार, कोई चीज आपको लगता है कि आप याद करके ज्यादा अच्छा हमें अकाउंट दे सकते हो तो दे दो, वो थोड़ा कोरोबोरेट हो जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने पहले भी कुछ लिखा था उस हिसाब से आज ठीक बता रहा है, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स को एक जगह रख के कर लिया जाएगा हम फिर, और पता चल जाएगा सही सही बात है नहीं है। ठीक है, अब हो गए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। मैं बस आपको एक आखिरी चीज बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 159 टॉक्स अबाउट रिकलेक्शन, जिसको नाम दिया गया है प्रेजेंट रिकलेक्शन, और 160 जो है वो है पास्ट रिकलेक्शन। और ये ऐसा नाम क्यों है ये हम सब लोग अपने घर से देख के आएंगे अगली क्लास में कि इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंट रिकलेक्शन एंड पास्ट रिकलेक्शन का। इस चीज में हम अगली बार मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप 159 पे आज से पहले जितनी क्लैरिटी थी उससे थोड़ी ज्यादा आई होगी आज, राइट? मेरे हिसाब से हमने 25 + 4 हमने 29 क्वेश्चंस किए हैं, 29 डायनेमिक एस्पेक्ट्स देखे हैं इस सेक्शन की, कैसे पढ़ा जा सकता है इसको, 29 चीजें, और उसमें से वैसे तो मैंने कुछ कुछ चीजों को एक साथ जोड़ के पूछ लिया, बट टोटल में बस 29 केस लॉज देखे हैं यहाँ पे, है ना। तो 159 को हमने बहुत जगहों से देख लिया, मेरे ख्याल इस पे अब आगे हमें अपने जरूरत के हिसाब से काफी समझ आ गई और क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। अब एक बार हम रीड कर लेंगे कभी भी तो याद आ जाएंगे सारे एग्जांपल वगैरह, सब समझ आ जाएगा, राइट सर? आई हैव टेकन 15 मिनट्स मोर देन आई शुड हैव, तो सर मैं देख लेंगे एडजस्टमेंट। सर मैं आपके क्वेश्चन थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ? हाँ जी सर, इससे रिलेटेड नहीं है जी, लेकिन रियल एक क्वेश्चन है कि ऐसा है कि ऋषि सर भी यहीं है शायद, तो ऋषि सर की भी हेल्प मिल जाएगी। ऐसा सर की 498 एक का मीटर है, 498 और 406 का मीटर लगा हुआ है, अब वो लेडी जो है वो 3 साल बाद में एफआईआर करवा रही, लगभग 3 साल किसका, जिस दिन से उसने जो मैट्रिमोनियल होम लेफ्ट किया था, सपोज कीजिए कि 23 चल रही है, 23 में वो 20 में लेफ्ट कर चुकी, 20 में इनके आपस में बातचीत होती रही, आ जाओ तुम नाराज हो क्यों हो ये सब, अब 23 में उसने 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में लगभग कंप्लीट हो गया, क्लोज टू कंप्लीट कह सकते हैं, तो उसके बाद जैसे 15 फेब को कंप्लीट हुआ और आज 20th को या 25th को वो अपना एफआईआर करवा रही या अभी काउंसलिंग करवा रही, राइट? अभी एफआईआर हो जाएगी, हुई हो जाएगी, तो क्या 468 सीआरपीसी का जिसमें 3 साल की सजा के जितने भी मैटर है उसका यूज यहाँ हो सकता है? नहीं सर, हमने डीवी एक्ट का कोर्स किया था, उसमें हमने एक जजमेंट पड़ी थी जिसके अंदर हमें एग्जैक्टली बताया गया था कि ये डीवी एक्ट के मैटर्स, 498A के मैटर्स, 304B के मैटर्स, इन सारी चीजों पे लिमिटेशन 468 से लेके 473 डज नॉट अप्लाई, तो वो आपको
एज सच डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा. आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन, सॉरी दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन, आप नहीं कह सकते. बट ऑब्वियसली इट विल बिकम वन कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट विच विल अफेक्ट देयर ओपिनियन कि भाई इतने टाइम बाद क्यों आए हो, दैट इज समथिंग दैट दे हैव टू आंसर. मगर लिमिटेशन पे बार नहीं, लिमिटेशन की वजह से बार नहीं होगा. इसके लिए कोई ऐसा जजमेंट है या ऐसा जजमेंट है? जजमेंट है हाँ जी, क्योंकि मेरे पास ये मैटर है और इस मैटर पे ही बात करनी थी कल परसों. मैंने देखा 468 में 3 इयर्स का है, तो क्या शुड आई यूज दैट और शुड आई नॉट यूज? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें लगता नहीं, मैंने मैं इसमें लगता नहीं है. एनीवेज ऋषि सर आपका क्या कहना है? ऋषि सर, इफ ऋषि सर इज अराउंड, सो गए शायद ऋषि सर. सर अगर मैम से बात हो तो, अगर जो है रमा मैम से बात हो तो, क्योंकि ये मैटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अगर रमा मैम से बात हो तो एक बार आप जरा चेकअप उनसे करा लेते पहले से ही. मैं पूछ लूंगा सर, मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो एक मैं उसका मदद ले रहा हूँ सेक्शन का, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितना सक्सेस होगी. नहीं सर ये क्योंकि मैं उसका जो एंटिसिपेटेड बेल में भी डालूंगा ना, तो भी मैं एक ग्राउंड डालूंगा. नहीं ये बात तो ठीक है. देखो वो एक जरूर वो है, कंसिडरेशन जरूर है, बट इनके ऊपर ना लिमिटेशन वाला पंगा रहता है. ऑल्दो आपको बहुत सारी जजमेंट्स ये मिलेंगी जिसमें वो बोलता है कि भाई लिमिटेशन नहीं है, सॉरी लिमिटेशन हो जाती है, बार हो जाता है 498A. मगर अभी बीच बीच में कुछ ऐसी भी आई 498A का इसलिए बार की मैं बात कर रहा हूँ कि बिकॉज इट इज नॉट ए स्पेशल लॉ, इट इज अंडर आईपीसी. तो आईपीसी के हिसाब से 406 है और 498A है. और जो आप बात कर रहे हैं वो डीवी एक्ट स्पेशल एक्ट है. नहीं नहीं मैं सिर्फ डीवी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. वो जो जजमेंट थी दैट रिलेटेड टू ऑफेंसेज दैट अकर वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस, हां वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस. और उसमें क्या है ना, डीवी एक्ट जो है उसमें 498 तो अपने आप लग जाता है ऑटोमेटिकली, 498 ऑटोमेटिकली लग जाता है ना वहाँ पे. वो तो क्रुएल्टी का, तो मदर भी क्रुएल्टी, तो वो जजमेंट उस चीज को कवर करती थी. तो अब दोनों तरफ की जजमेंट्स हैं. मेरे हिसाब से तो यही है कि इनमें जल्दी से ये बार मानते नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिबरल अप्रोच होती है जजेस की आजकल के टाइम में. बट हाँ आपको कोई जजमेंट मिल जाए और लोअर कोर्ट में काम कर जाए तो बहुत बढ़िया, काम भी कर सकता है. नहीं ऐसा सर कि एंटीसिपेटरी बिल में तो शायद काम कर जाए, लेकिन मैं जिसको जो क्वेश्चन में जाऊंगा टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड कि भाई हाँ सब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे इस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको आपको कुछ रेफर चीजें मिल जाएंगी और लेटेस्ट केसेस जो होंगे वो भी दिख जाएंगे. ठीक है सर, 2002 का है ये, पंजाब हरियाणा इसी में से निकलता हुआ चला जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, गुड नाइट. We'll be right back.